को देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले हम सभी से ये आग्रह करेंगे कि आप सभी लोग अपने पास एक कॉपी और एक पेन ले करके बैठे और जो भी जरूरी बातें हैं उसे नोट करते जाएंगे। क्लियर है? चलिए तो दोस्तों, सबसे पहले हम जो आज देखने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति। याद रखिएगा, ये हम लोग आज पढ़ने वाले हैं दोस्तों, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से हम आज भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति तक का सफर करने वाले हैं। और दोस्तों, जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉडर्न इंडिया का, वो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना से ही शुरू होता है। इसके पहले वाला टॉपिक हमने आपको कई बार पढ़ाया है, अभी भी वीडियो हमारे प्ले लिस्ट में है, जा करके देख लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, जिसे हम लोग INC कहते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, आप सभी लोग ये बहुत बार पढ़े होंगे और जितने भी लोग जो हमारे चैनल को देख रहे हैं सभी लोग ये पढ़े होंगे, निश्चित तौर पर पढ़े होंगे। लेकिन यहां पर हमारा पढ़ाने का नजरिया कुछ और होगा, यानी कि यहां पे हम फोकस करने वाले हैं आपका एग्जाम को लेकर के, कि आपके एग्जाम के लिए यह टॉपिक कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। तो दोस्तों, INC की स्थापना यानी कि इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की, कांग्रेस की स्थापना की बात किया जाए तो सबसे पहले देखिएगा, यहां पे हम लोग देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व भी कई सारे राजनैतिक संगठनों का स्थापना किया जा चुका था। उन संगठनों में अगर देखेंगे दोस्तों, तो सबसे पहला नाम जो आता है वह है आपका बंग भाषा प्रकाशिका सभा। आप लोग नोट करते जाइएगा दोस्तों, बंग भाषा प्रकाशिका सभा। अगर इस बंग भाषा प्रकाशिका सभा की बात करते हैं दोस्तों, ध्यान से बात को सुनिएगा। हमने कहा कि अभी हमने INC की स्थापना पर नहीं चल रहे हैं, अभी हम आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ठीक पहले जो राजनीतिक संगठन की स्थापना की गई थी, पहले एक लिस्ट हम उसका देख लेते हैं कि आखिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पूर्व में कौन कौन से संस्थाएं हमारे देश में कार्य कर रही थी। तो सबसे पहला नाम आता है आपका बंग भाषा प्रकाशिका सभा। दोस्तों अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1836 ईस्वी में की गई थी। आपसे सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि बंग भंग प्रकाशिका सभा की स्थापना कब की गई थी, 1826 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था, कौन किए थे? तो याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय के सहयोगियों के द्वारा किया गया था। राजा राम मोहन राय के सहयोगियों के द्वारा किया गया था, यानी कि राजा राम मोहन राय के द्वारा ये सभा की स्थापना नहीं की गई थी। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि अगर हम राजा राम मोहन राय की बात करते हैं, तो इनकी मृत्यु 1833 में ही हो गई थी, जबकि आपका बंग भाषा प्रकाशिका सभा 1836 में स्थापित की गई थी। तो मरा हुआ व्यक्ति तो स्थापना करेगा नहीं, तो इसीलिए आप देखिएगा कि राजा राम मोहन राय के जो सहयोगी थे उनके द्वारा बंग भाषा प्रकाशिका सभा की स्थापना 1836 में किया जाता है। दोस्तों राजा राम मोहन राय के संदर्भ में आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले तो याद रखिएगा, इसे आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। आपको कई बार पूछा जाता है कि आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। दूसरा, इसे भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है, भारतीय पुनर्जागरण का भी पिता कहा जाता है। अगर राजा राम मोहन राय की बात करते हैं तो इनके द्वारा कुछ
प्रमुख संस्थाओं की स्थापना की गई 1815 ईस्वी में। आप देखिएगा किसकी स्थापना की गई, वेदांत सभा की स्थापना किया गया दोस्तों। और 1828 ईस्वी में आप सभी जानते हैं ब्रह्मा सभा की स्थापना किया, ब्रह्म समाज की स्थापना किया जाता है किसके द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा। राजा राम मोहन राय के द्वारा कुछ प्रमुख पुस्तकों का भी विमोचन किया गया था, जिसमें मिरातुल अखबार बहुत फेमस है। आप लोग लिख लीजिएगा जो आपका मिरातुल अखबार है, ये मिरातुल अखबार किसके द्वारा प्रकाशन किया गया था, राजा राममोहन राय के द्वारा किया गया था और कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। क्लियर है? चलिए अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है अंजलि कुमारी जी, है ना। तो मिरातुल अखबार किसके द्वारा, राजा राममोहन राय के द्वारा। इसके अलावा संवाद कैमुदी, प्रज्ञा का चांद, ये सभी राजा राममोहन राय का क्या है, प्रमुख रचना है। तो आपको मालूम होना चाहिए राजा राममोहन राय के बारे में, इतनी बात आपको ध्यान रहना चाहिए। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि सर्वप्रथम किसने दिया, कॉमेंट में करके बताइएगा। चलिए तो हम बात कर रहे थे बंग भाषा प्रकाशिका सभा 1836 में राजा राममोहन राय के सहयोगी के द्वारा किया गया। क्लियर है? दूसरा हम देखेंगे, दूसरा जो कांग्रेस से पूर्व संस्था थी दोस्तों, वह था आपका जमींदारी एसोसिएशन। जमींदारी एसोसिएशन है दोस्तों, और यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी जमींदारी एसोसिएशन को लैंड, है ना, लैंड होल्डर्स सोसाइटी, है ना, या लैंड होल्डर्स एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? चलिए अब इसका गठन कब किया गया, यह भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो कई बार आपके बीपीएससी में पूछा गया है, आप अगर देखेंगे प्रीवियस ईयर प्रश्न तब, तो इसकी स्थापना 1838 ईस्वी में किया गया था। किनके द्वारा किया गया था, तो आप लोग सीधे तौर पर लिख लीजिएगा द्वारका नाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा ही लैंड होल्डर सोसाइटी यानी कि जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, तो जमींदारों के स्वार्थों का रक्षा करना। उद्देश्य क्या था, उसका उद्देश्य था दोस्तों जमींदारों की स्वार्थों की रक्षण करना ही इसका क्या था, मुख्य उद्देश्य था। क्लियर है? जमींदारों के स्वार्थों की रक्षण करना ही इनका मुख्य उद्देश्य था, जमींदारी एसोसिएशन। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो आप नोट करते जाइए। क्लियर है? चलिए तो जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 ईस्वी में किया गया। चलिए अगला संस्था देखते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिसका नाम है पूना सार्वजनिक सभा। और बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम ट्रिपल फोर स्टार लगा लीजिएगा, पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा की बात करते हैं, गठन कब किया गया था दोस्तों, जल्दी से बताइएगा। पूना सार्वजनिक सभा का गठन कब किया गया था, 1870 ईस्वी में। 1870 ईस्वी में किसके द्वारा, तो याद रखिएगा एन एम जोशी के द्वारा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किया गया था। बहुत बढ़िया, प्रभात कुमार जी नमस्कार। चलिए क्लियर है? तो एम जी रनाडे के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। दूसरा बात आपको यह याद रखना है, और यह आपके लिए भीआई है कि 1875 ईस्वी में सर्वप्रथम पूना सार्वजनिक सभा ने ही क्या किया था, ब्रिटिश संसद में अपने प्रशासन में भागीदारी की मांग की थी। और आपका यह क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा सर्वप्रथम ब्रिटिश संसद में प्रतिनिधित्व की मांग की गई थी, तो किसके द्वारा दोस्तों, है ना, तो किसके द्वारा की गई थी,
पूना सार्वजनिक सभा के द्वारा किया गया था। वेरी गुड। चलिए खुशबू सृष्टि जी, बिन्नी कुमारी जी, बहुत बढ़िया सब लोग जवाब दे रहे हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेते चल जाइए। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, इंडियन एसोसिएशन, अगला जो आपका है वह है इंडियन एसोसिएशन। ये भी आपका क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंडियन एसोसिएशन की बात करते हैं, इसकी स्थापना 1876 में किया गया था। किसके द्वारा? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, इंडिया एसोसिएशन। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यह कांग्रेस से पूर्व की गठित सबसे प्रमुख संस्था थी जिसे अखिल भारतीय संस्था का गौरव प्राप्त था। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व सबसे महत्वपूर्ण संस्था कौन थी, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पूर्व सबसे महत्वपूर्ण संगठन कौन था? तो आपका इंडियन एसोसिएशन था। इसी को भारत संघ कहा जाता है, याद रखिएगा। भारत संघ की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1876 ईस्वी में किया गया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि 1869 में ये है ना, ये क्या किए थे, भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा पास किए थे ये, लेकिन उस समय कुछ तकनीकी आधार के कारण इन्हें क्या किया गया था, अयोग्य घोषित कर दिया गया था। क्लियर है? तो ये आपका है इंडियन एसोसिएशन, भारत संघ, जिसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व की सबसे महत्वपूर्ण संस्थाओं में रखा जाता है। क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया, इंडियन एसोसिएशन। चलिए अब अगला दोस्तों देखिएगा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, मुंबई नेक्स्ट है, बॉम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसकी स्थापना आपका 1885 में किया गया था, 1885 में किया गया था है ना, और तीन व्यक्ति के द्वारा, किसके द्वारा, केटी तेलंग के द्वारा, बरबुद्दीन तैयब जी द्वारा, और आपका तीसरा है क्या, चलिए ठीक है, सब आवाज उबाज सब जा रही है, कोई बात नहीं। हाँ तो हम बात कर रहे थे केटी तेलंग, बरबुद्दीन तैयब जी, और तीसरा है फिरोज शाह मेहता। इन तीन व्यक्तियों के द्वारा बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी दोस्तों। और कई बार ये प्रश्न आपका पूछा गया है कि मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो तीन व्यक्ति का नाम, केटी तेलंग, बरबुद्दीन तैयब जी और फिरोज शाह मेहता, इसे याद रखिएगा। इन तीनों को मुंबई में यानी कि बंबई में त्रिमूर्ति के नाम से जाने जाते थे। त्रिमूर्ति के नाम से कौन जाने जाते थे? तो केटी तेलंग, बरबुद्दीन तैयब जी और फिरोज शाह मेहता। केटी तेलंग है ना, फिरोज शाह मेहता और बरबुद्दीन तैयब जी, याद रखिएगा, त्रिमूर्ति के नाम से जाने जाते थे। चलिए अब आपका ये कांग्रेस से गठन के पूर्व जो भी महत्वपूर्ण संस्था था उसकी हमने बात कर लिया। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अगला जो आपका है, हम बात कर रहे थे INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना देखेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कि अगर बात किया जाए कब हुआ था दोस्तों, 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? तो ए ओ
एओ ह्यूम के द्वारा हुआ था, जिनका पूरा नाम ऑक्टेवियन ह्यूम था दोस्तों, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम था, और ये अवकाश प्राप्त एक क्या थे, अधिकारी थे। कहां हुआ था दोस्तों, तो आप सभी को मालूम होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में की गई थी, हालांकि इसका जो प्रथम अधिवेशन होने वाला था वह पूना में होने वाला था, लेकिन पूना में प्लेग के कारण यह अधिवेशन रद्द करके कहां किया गया, मुंबई में किया गया। कब? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में मुंबई के, है ना, ग्वालियर टैंक के मैदान में स्थित तेजपाल संस्कृत विद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या की गई, स्थापना की गई, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। क्लियर है? चलिए अब अगर बात करते हैं तो इसके आप देखिएगा, जो प्रथम अध्यक्ष हुए, आप सभी को मालूम होगा जो प्रथम अध्यक्ष हुए वो कौन हुए, तो डब्ल्यू सी बनर्जी हुए दोस्तों, जिसे व्योमेश चंद्र बनर्जी कहे जाते हैं। यानी कि कई बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो आपका व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और कमेंट में बताइएगा दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर या भारत का वायसराय कौन था, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कौन इस समय भारत का वायसराय या गवर्नर था। बहुत बढ़िया अंजलि जी तेजपाल विश्वविद्यालय में, सलनी जी बहुत बढ़िया आप लोग जो है जवाब दे रहे हैं। अगला बताइएगा दोस्तों, है ना, चलिए वेरी गुड, तो नोट कर लीजिए आप लोग। तो हमने आपसे पूछा कि इस समय कौन थे वायसराय, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए लॉर्ड डफरिन थे, याद रखिएगा लॉर्ड डफरिन के समय में ही इसकी स्थापना की गई थी। अब जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई तो इसमें कई सारे जो उस समय भारतीय और कई सारे जो ब्रिटिश थे उन्होंने इसकी आलोचना की, और आलोचना को लेकर के देखिएगा हमेशा से क्वेश्चन पूछा जाता है, 60वीं बार 60वीं में भी पूछा गया था, तो आपको उस आलोचना के बारे में आपको लिख लेना चाहिए। जैसे कि लॉर्ड डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा था कि कांग्रेस केवल अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है, यानी कि यह केवल संभ्रात लोगों का ही प्रतिनिधित्व करती है, जबकि लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है और हमारी यह इच्छा है, यानी कि हमारे रहते हुए यह इच्छा है कि हम इसके पतन में सहभागी बन सके। तीसरा, बाल गंगाधर तिलक ने यह कहकर आलोचना की कि कांग्रेस जो है उसकी स्थिति मेंढक की तरह है, उन्होंने मेंढक से तुलना किया और कहा कि यदि वर्ष में एक बार टटराया जाए तो कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। ये कौन कहे थे? हमारे बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। बंकिम चंद चटर्जी ने कहा था कि कांग्रेस के जो लोग हैं वह पदों के भूखे हैं, और आज भी है, कांग्रेस के लोग पदों के क्या है, भूखे हैं, है ना। उसके बाद देखिएगा बिपिन चंद्र पाल ने कहा था, बिपिन चंद्र पाल ने क्या कहा था कि कांग्रेस एक प्रार्थना और याचना करने वाली संस्था है, ये बिपिन चंद्र पाल ने कहा था। क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। क्लियर है? चलिए अगर आप जो चीज नहीं भी नोट करते जा रहे हैं तो दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए, और क्लास के बाद या तो हमसे नोट्स मांग लीजिएगा या घटना चक्र का संपूर्ण रिवीजन कर लीजिएगा। तो यह हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ओवरऑल है। अब देखिएगा दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन होता है INC की, है ना, दूसरी अधिवेशन होती है, दूसरी अधिवेशन होता है दोस्तों। कब होता है? तो आप सभी को मालूम होगा 1885 में जब पहला हुआ तो 1886 में कौन सा होता है, दूसरा अधिवेशन, और ये कहां होता है, तो ये कोलकाता में होता है। इसकी अध्यक्षता की अगर बात किया जाए, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने किया था दोस्तों, और नाम से ही स्पष्ट है दादा, यानी कि इसे भारत का ओल्ड मैन कहा जाता है, भारत का वृद्ध व्यक्ति
ओल्ड मैन दादा भाई नौरेजी। और आपको मालूम होना चाहिए कि दादा भाई नौरेजी के द्वारा ही 1867 ईस्वी में इंग्लैंड में यानी कि लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। दोस्तों भी आई है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया? दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। कब किया गया? 1867 ईस्वी में किया गया था। क्लियर है? चलिए दूसरा बात देखेंगे। तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही धन निष्कासन का सिद्धांत दिया गया था। दोस्तों याद रखिएगा, धन निष्कासन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और यह भी याद रखिएगा कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही भारतीय सुधार समिति इंडियन रिफॉर्म कमिटी का गठन किया गया था। भारतीय सुधार समिति याद रखिएगा, भारतीय सुधार समिति इंडियन रिफॉर्म कमिटी का गठन किसके द्वारा किया गया? दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। और ये सभी क्वेश्चंस आपके जो है वह पूछे जाते हैं दोस्तों। क्लियर है? चलिएगा, वेरी गुड। तो आपको ये सारे बात याद रखना चाहिए। अब कमेंट में आप बता दीजिए, हमने कई बार बताया है आपको कि दादा भाई नौरोजी ने कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की? दादा भाई नौरोजी ने कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किया? दोस्तों जल्दी से बताइएगा, कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए हैं दादा भाई नौरोजी ने? तो आपका आंसर होना चाहिए 3 बार अध्यक्षता किए हैं। कितनी बार? 3 बार। कब कब? एक तो आपका 1886 हो गया, जिसकी हम चर्चा किए हैं, कहां पे? कोलकाता में। दूसरा आपका हो गया 1893 हो गया, ये आपका कहां हो गया? तो ये आपका लाहौर हो गया, है ना। और दूसरा आपका हो गया 1906, और ये आपका कहां हो गया? ये पुनः आपका कोलकाता में हो गया। 3 बार दादा भाई नौरोजी ने क्या की थी? अध्यक्षता की थी। और आपके कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। एक और सवाल जो कि कई बार पूछा जाता है कि रफ्त गोफ्तार कई बार, और हमें लगता है कि हो सकता है ये क्वेश्चन आपका इस बार देखने को मिले, चाहे बीपीएससी में या सीडीपीओ में। रफ्त गोफ्तार किसके द्वारा रचित किया गया है? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। वेरी गुड दीपिका मिश्रा जी, है ना। 1906 में सूरत नहीं, 1906 में कोलकाता, सूरत 1907 में। क्लियर है? तो रफ्त गोफ्तार किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। क्लियर है? चलिए, तो ओवरऑल हमने दादा भाई नौरोजी के बारे में भी देख लिया। और दादा भाई नौरोजी पहले ऐसे व्यक्ति हुए जो ब्रिटिश संसद यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट में सदस्य के रूप में चुने गए। तो दादा भाई नौरोजी के बारे में भी ओवरऑल देख लिए, और हमने दूसरी अधिवेशन की भी देख लिए। अब बात करते हैं तो जो हमारे लिए इंपोर्टेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन है उन पर चर्चा करेंगे। यानी कि अब हम आएंगे कांग्रेस का बनारस अधिवेशन। अगला जो आपका इंपोर्टेंट है वह है कांग्रेस का बनारस अधिवेशन। चलिए, कांग्रेस का बनारस अधिवेशन की बात करते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कब किया गया था दोस्तों? 1905 में कांग्रेस का बनारस अधिवेशन हुआ था। नाम ही है बनारस, तो ये बनारस में हुआ था। अध्यक्षता किसने किया था? तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इसकी स्थापना की गई, अध्यक्षता की गया था। और दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले, देखिएगा 65वीं बीपीएससी में यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा ही 1905 में इंडियन सर्वेंट सोसाइटी यानी कि भारतीय सेवक समाज की स्थापना किया गया। भारतीय सेवक समाज की स्थापना किया गया था किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। अब दोस्तों यह जो 1905 का समय है, ये हमारे
भारतीय इतिहास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट समय है, बहुत ही चर्चित घटना घटित हुई है इस समय, और वो है आपका बंगाल विभाजन। क्योंकि उसका संबंध हमारा इस बनारस अधिवेशन से है, और चूंकि तारीख आप ईस्वी भी एक है, 1905 में हमारा बनारस अधिवेशन भी हुआ, और इसी 1905 में हमारा क्या हुआ, बंगाल विभाजन हुआ दोस्तों। तो बंगाल विभाजन पढ़ेंगे, क्योंकि यहां पे पहले हम उसको लिंक करने का प्रयास करेंगे। क्लियर है? तो आइए अब चलते हैं 1905 की प्रमुख घटना, जिसका नाम है बंगाल विभाजन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बंगाल विभाजन। दोस्तों बंगाल विभाजन की बात करते हैं तो आपको तीन डेट एकदम याद रहना चाहिए, तीन डेट आपको याद रहना चाहिए। क्लियर है? वो तीन डेट कौन कौन से हैं? तो 20 जुलाई 1905 पहला डेट आपका ये याद रखना चाहिए। दूसरा डेट आपका है 7 अगस्त। आप देखिएगा 60वीं 62वीं में भी पूछा गया है, 63वीं में भी पूछा गया है, और तीसरा है आपका है ना 16 अक्टूबर 1905। ये सभी 1905 की ही घटना है। तो 20 जुलाई 7 अगस्त और 16 अक्टूबर आपको याद रखना है, क्योंकि बंगाल विभाजन अगर ओवरऑल देखा जाए तो 1905 की यह प्रमुख घटना है। और इस समय जो वायसराय थे वो कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड कर्जन इस समय वायसराय थे। अब दोस्तों हुआ क्या, तो जितने भी क्रांतिकारी गतिविधि या जितने भी आप देखिएगा राजनैतिक गतिविधि का उद्भव हो रहा था वह बंगाल से ही हो रहा था। तो ऐसे में जो लॉर्ड कर्जन था यानी कि जो ब्रिटिश सरकार थी वह क्या हुआ, तो वो बंगाल को तोड़ना चाहे, यानी कि बंगाल में राजनैतिक गतिविधि का केंद्र था, तो उस राजनीतिक गतिविधि केंद्र को दूर करने के लिए इसने सोचा कि बंगाल को क्या कर दिया जाए, विभाजन कर दिया जाए, और इसीलिए इन्होंने बंगाल को क्या किया, विभाजन करने का निर्णय लिया। हालांकि इन्होंने यह कहकर हवाला दिया कि बंगाल की जो जनसंख्या है अधिक हो गई है, जिसके कारण प्रशासन बढ़िया से नहीं चलाया जा सका है, इसीलिए बंगाल का क्या किया जाए, विभाजन किया जाए। तो ये इनका कहने का मात्र था, लेकिन वास्तविक सच ये था कि बंगाल तमाम राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र हो गया था, इसीलिए बंगाल का विभाजन करना इनके लिए जरूरी हो गया। तो तीन डेट याद रखिएगा, 20 जुलाई 1905 को क्या की गई, बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया, अनाउंसमेंट किया गया। तो बंगाल विभाजन की घोषणा कब किया गया, 20 जुलाई 1905 को किया गया, और इसीलिए 7 अगस्त 1905 को यानी कि जैसे ही 20 जुलाई 1905 को यह घोषणा कर दिया गया, 7 अगस्त 1905 को क्या किया गया, जितने भी हमारे राजनीतिक नेता थे इनके विरोध में एक आंदोलन चलाया गया, जिसे कि क्या कहा गया, बंग भंग आंदोलन कहा गया, बंग भंग आंदोलन कहा गया। और इसी आंदोलन के साथ साथ स्वदेशी आंदोलन भी चलाया गया, स्वदेशी आंदोलन भी चलाया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्वदेशी आंदोलन कब चलाया गया, 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में एक सभा बुलाई जाती है, और उसी सभा में बंगाल विभाजन के विरुद्ध बंग भंग आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन चलाया जाता है। और लेकिन 16 अक्टूबर इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन को संपूर्ण रूप से प्रभावी बना दिया जाता है, लागू कर लिया जाता है, इसीलिए 16 अक्टूबर को क्या किया जाता है, बंगाल विभाजन को प्रभावी बना दिया गया। इसीलिए हमारे भारतीय राजनेताओं ने इस दिवस को यानी कि 16 अक्टूबर को क्या मनाया, शोक दिवस के रूप में मनाया, बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। किस तारीख को, 16 अक्टूबर को। और रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया, राखी बंधन यानी कि सभी एक दूसरे के कलाई पर राखी बांधने का आवाहन किया बंगाल विभाजन के विरुद्ध में। तो ये आपका बंगाल विभाजन है दोस्तों, चाहे तो आप लोग नोट कर लीजिए। क्लियर है? चलिए वेरी गुड, नोट कर लीजिए, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, देखिए
क्लास नहीं होगा तो सभी लोग हल्ला करते हैं कि क्लास नहीं हो रहा, क्लास नहीं हो रहा, और जब क्लास नहीं होगा, क्लास शुरू किया जाएगा तो सब लोग सोए रहेंगे और बाद में कहेंगे कि सर हमको पीडीएफ दे दीजिए, पीडीएफ दे दीजिए। तो मैं किसी को भी पीडीएफ नहीं दूंगा, एकदम ये तय है। क्लास में नोट करिए, अब पीडीएफ देने का और पढ़ने का समय है। अब आपका बस इस तरीके से फॉर्मेटिंग करके रिवीजन करने का समय। पीडीएफ देंगे इतना मोटा हो जाएगा, पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, क्लियर है। इसलिए इस फॉर्मेटिंग में अब आप करना शुरू करिए। तो अब बंगाल विभाजन हो गया दोस्तों। अब बंगाल का जो विभाजन किया गया वह दो भागों में किया जाना था, यानी कि एक पूर्वी बंगाल, दूसरा पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल के क्षेत्र में असम, जो कि मुस्लिम बहुल वाले क्षेत्र थे, उसको मिला दिया गया, जबकि पश्चिमी बंगाल वाले क्षेत्र में बिहार, ओडिशा और बंगाल को एक साथ रखा गया, जो कि हिंदू बहुल वाले क्षेत्र थे, क्लियर है। चलिए अब यह जो बंगाल विभाजन था दोस्तों, यह जो बंगाल विभाजन था, इसी बंगाल विभाजन में ही क्या हो गया, कांग्रेस में फूट की नींव पड़ गई। फूट की नींव इसलिए पड़ गई क्योंकि जो तिलक थे और तिलक के दल के जो लोग थे, वह इस बंगाल विभाजन यानी कि बंग भंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में फैलाना चाहते थे, पूरे देश में लागू करना चाहते थे, लेकिन कुछ जो उदारवादी नेता थे वह इसके विरोध में थे। इसीलिए तिलक जो है यहीं से क्या हो जाते हैं, खफा हो जाते हैं, जो आगे चल करके आप देखिएगा 1907 में सूरत अधिवेशन होता है, क्योंकि यहीं से जो है तिलक जो है वह अपना यानी कि गरम दल के नेता, यानी कि वह अपना प्रतिनिधि को बनाना चाहते थे कांग्रेस के अध्यक्ष 1906 में ही। अगला अधिवेशन आपका होता है 1906 में, देखिएगा 1906 में जो अधिवेशन होता है उसको कौन सा अधिवेशन कहा गया दोस्तों, तो कोलकाता अधिवेशन कहा गया, कोलकाता अधिवेशन। देखिएगा कोलकाता अधिवेशन की बात किया जाए तो कब हुआ, 1906 में हुआ दोस्तों। अध्यक्षता हमने पहले ही बता दिया है, अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया, तो हमारे ओल्ड मैन दादा भाई नौरेजी के द्वारा किया गया। अब चूंकि हमने आपको पहले बताया कि बंगाल विभाजन के रणनीति को लेकर के तिलक पहले से खफा थे, तो तिलक इस बार यानी कि 1906 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता होने वाली थी या जिस व्यक्ति को अध्यक्षता बनाया जाने वाला था, तो ये किसको बनाए जाते थे, तो ये लाला लाजपत राय को बनाना चाह रहे थे, लेकिन कांग्रेस यानी कि जो उदारवादी नेता थे वह बहुत चलाकी से दादा भाई नौरोजी को क्या कर देते हैं, तो कांग्रेस के अध्यक्ष बना देते हैं। चूंकि दादा भाई नौरोजी जो थे वह सभी के लिए क्या थे, एक इष्ट के समान थे, सभी के लिए एक बहुत ही प्रेरणा के स्रोत थे, यानी कि गरम दल वाले और नरम दल वाले दोनों ही दादा भाई नौरोजी को बहुत मानते थे। इसीलिए जो गरम दल थे वो इस समय क्या हो गए, चुप हो गए कि चलो इस बार नहीं हुआ तो क्या बात है, अगली बार हम अपने तरफ से कोई अध्यक्ष बनाएंगे। तो 1906 में कोलकाता अधिवेशन हो जाता है, लेकिन इस बार जो कांग्रेस का विभाजन है वो होते होते बच जाता है, क्योंकि अध्यक्षता किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने किया था। और इस अधिवेशन की सबसे प्रमुख बात यह होती है कि इसी अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा सर्वप्रथम स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया, सर्वप्रथम स्वराज की मांग की गई। किस अधिवेशन में, तो आपका 1906 के कोलकाता अधिवेशन में ही सर्वप्रथम क्या किया गया दोस्तों, स्वराज की मांग की गई, क्लियर है, स्वराज की मांग की गई दोस्तों। किस अधिवेशन में, कोलकाता अधिवेशन में, क्लियर है। चलिए तो आप लोग ये आपका कोलकाता अधिवेशन 1906 में हम आ गए। अब अगले वर्ष की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वो है आपका सूरत अधिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों और कई बार आपका पूछा गया है। सूरत अधिवेशन जो कि 1907 में हुआ था, नाम से स्पष्ट है सूरत, तो यह सूरत में हुआ था, है ना, ताप्ती नदी पर चलिए बसा है सूरत अधिवेशन। अब इस अधिवेशन में मामला गर्मा गया, मामला उल्टा पुल्टा हो गया। उल्टा पुल्टा कहने का मतलब कि इस बार तो जो गरम दल वाले नेता थे, यानी कि जो तिलक थे, लाला लाजपत राय थे, बिपिन चंद्र पाल थे, ये पूरे जोश उल्लास में थे कि इस बार तो कांग्रेस का अध्यक्ष हमारे तरफ से ही बनेगा, लेकिन मामला हो गया उल्टा। नरम दल वाले
किसे अध्यक्ष बना देते हैं, तो अध्यक्षता किसने किया सूरत अधिवेशन की, तो रास बिहारी बोस के द्वारा, रास बिहारी बोस के द्वारा सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया। और जैसे ही रास बिहारी बोस अध्यक्ष बने, क्योंकि गरम दल वाले यानी कि तिलक जो है वह लाला लाजपत राय को क्या करना चाहते थे, अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बना दिया गया। परिणाम क्या हुआ, यह विवाद उत्पन्न हो गया। विवाद उत्पन्न हो गया किसको लेकर के, तो अध्यक्ष के पद को लेकर के, अध्यक्ष के पद को लेकर के, है ना, क्या हो गया, विवाद उत्पन्न हो गया। और जब विवाद हो गया तो परिणाम क्या हुआ दोस्तों, परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस का यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया। परिणाम क्या हो गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया। क्लियर है, चलिए। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, रास बिहारी बोस ने। विवाद क्या, कारण क्या था, अध्यक्ष पद को लेकर के, चूंकि तिलक जो है लाला लाजपत राय को बनाना चाहते थे इसीलिए। और परिणाम क्या हुआ, कांग्रेस का विभाजन हो गया। तो प्रश्न कई बार आपसे यह भी पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का किस अधिवेशन में विभाजन हुआ, 1907 के सूरत अधिवेशन में। अब देखिएगा दोस्तों, अगर बात करते हैं कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, कांग्रेस का विभाजन हो जाता है कब हो जाता है, 1907 ईस्वी में कांग्रेस का जो विभाजन हो जाता है, तो कांग्रेस दो गुटों में बट जाती है। एक आपका हो गया गरम दल, गरम दल, और दूसरा हो गया आपका नरम दल, है ना, नरम दल। गरम दल वाले को उग्रपंथी या उग्रवादी कहा गया है, जबकि नरम दल वाले को उदारवादी कहा गया है। गरम दल में तीन प्रमुख नेता थे, प्रमुख नेता तीन थे और भी कई नेता थे, इसे लाल बाल और पाल से जाना जाता है, लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। लाल से आपका हो गया लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। बाल से आपका हो गया बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। और पाल से आपका हो गया बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल। ये तीन प्रमुख नेता थे, एक और प्रमुख नेता थे अरविंद घोष, ये भी गरम दल से ही थे ये, और बाकी के बाकी नरम दल में, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरे जी, फिरोज शाह मेहता, ये सभी आपके किस दल से थे, नरम दल से थे। अब इन दोनों के जो कांग्रेस की रणनीति थी, मतलब जो स्वतंत्रता प्राप्त करने की रणनीति थी, जो आंदोलन की रणनीति थी, उनको लेकर के दोनों में हमेशा से विवाद रहता था। गरम दल वाले जो है यह क्या करते थे, तो ये आंदोलन करके, संघर्ष करके स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे, जबकि नरम दल वाले संवैधानिक तौर तरीके से स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे। इसीलिए तिलक ने यह आरोप भी लगाया था, है ना, कि आजादी जो है वह भिक्षा से नहीं मिलेगी, है ना, स्वतंत्रता प्राप्त करना है तो भिक्षा वृत्ति को त्यागना होगा। और तिलक ने नरम दल वाले पर क्या लगाया था, यानी कि भिक्षा वृत्ति का आरोप भी लगाया था। क्लियर है, चलिए। यानी कि आपको यह समझ में आ गया कि कांग्रेस का विभाजन हो गया। अब कांग्रेस का विभाजन 1907 में हो गया है, क्लियर है, चलिए। अब यहां पर हम फिर आएंगे थोड़ा सा, तो हमने आपको 1905 की दो प्रमुख घटना बता दिया, एक बनारस अधिवेशन, दूसरा बंगाल विभाजन। फिर आपने देखा कि किस तरीके से जो है कांग्रेस का क्या हो गया, विभाजन हो जाता है। अब इसी बीच 1906 में क्या हो जाता है, मुस्लिम लीग का गठन होता है, मुस्लिम लीग का गठन होता है दोस्तों, क्लियर है, मुस्लिम लीग का गठन होता है। मुस्लिम लीग की गठन की बात अगर किया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है,
कब होता है? 1906 में मुस्लिम लीग का गठन होता है। गठनकर्ता कौन थे? एकदम नोट कर लीजिएगा, गठनकर्ता आपका कौन थे? तो आगा खां, सलीमुल्ला खां और मोहसिल उल मुल्क। ये तीन व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किए थे, मुस्लिम लीग की स्थापना किया था। इन्होंने अपनी जो कहां पे स्थापना किया था, मुस्लिम लीग की स्थापना कहां किया गया? तो दोस्तों ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया। और राजधानी कहां बनाई गई? तो मुस्लिम लीग ने अपनी राजधानी लखनऊ में बनाई। क्लियर है? ये तीन चार बातें आपको ध्यान में रखना चाहिए कि गठन 1906 ईस्वी में आगा खां, सलीमुल्ला खां और मोहसिनुल हक के द्वारा, और कहां? ढाका में। और राजधानी कहां है? तो इसकी राजधानी आपका कहां है? तो राजधानी आपका जो है वो लखनऊ में है। क्लियर है? चलिए तो नोट कर लीजिएगा दोस्तों, या स्क्रीन शॉट लेते चले जाइएगा। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। दीपिका मिश्रा जी लाहौर नहीं, क्लियर है, लखनऊ में राजधानी बनाई गई थी, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, ढाका में इसने स्थापना किया था। क्लियर हो गया? अब देखिए मुस्लिम लीग आपका हो गया। अब मुस्लिम लीग के अगर अधिवेशन की बात करते हैं तो तीन प्रमुख अधिवेशन, यानी कि 1906 में कहां हुआ? 1906 में आपका कहां हुआ? ढाका में हुआ। 1907 में आपका कहां हुआ? कराची में हुआ। और 1908 में कहाँ हुआ? 1908 में आपका अमृतसर में हुआ। और ये 1908 का जो मुस्लिम लीग का अधिवेशन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इसी 1908 के मुस्लिम अधिवेशन में यानी अमृतसर में मुस्लिम लीग ने अपने लिए क्या किया? तो अपने लिए अलग निर्वाचन यानी कि प्रतिनिधित्व की मांग किया। क्लियर है? चलिए वेरी गुड। मुसलमान इसमें मुस्लिम लीग में ही मुसलमानों ने अपने लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में अपने लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की, 1908 के अमृतसर अधिवेशन में पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की, और इसी मांग को स्वीकार कर लिया जाता है यानी कि पारित कर दिया जाता है अगले आने वाले जो है वह है मॉर्ले मिंटो सुधार की बात करते हैं तो ये कब आता है? 1909 ईस्वी में लाया जाता है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी मॉर्ले मिंटो सुधार ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल कि क्या कर दी, स्वीकृति दे दी। मॉर्ले की बात करते हैं तो ये मॉर्ले उस समय कौन होते हैं? भारत के सचिव होते हैं। मॉर्ले आपका भारत का सचिव होते हैं, जबकि मिंटो जो है ये मिंटो भारत के कौन होते हैं? वायसराय होते हैं। क्लियर है? चलिए और इसी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। क्लियर है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की स्थापना की गई? तो 1909 में किसके तहत? मॉर्ले मिंटो सुधार के तहत। और आपसे क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है किस वायसराय के समय में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की स्थापना की गई? तो कमेंट में बता दीजिएगा, मॉर्ले होगा कि मिंटो होगा। क्लियर है? अलग पृथक निर्वाचन मांग, बहुत बढ़िया अंजलि कुमारी जी, अलग पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई थी। क्लियर है? चलिए
तो 1900 हमने 9 तक का सफर किया है। अब 10 में देखिएगा, कोई महत्वपूर्ण घटना आपके एग्जाम के लेकर के नहीं होता है। अब 1911 में एक बहुत फेमस घटना घटित होती है जिसका नाम है दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है, भव्य स्वागत का आयोजन किया जाता है दिल्ली में, किसके आने पर? तो जॉर्ज पंचम, जो कि ब्रिटिश सम्राट होते हैं, और उनकी पत्नी मैरी का स्वागत के लिए क्या किया जाता है, दिल्ली में भव्य स्वागत का आयोजन किया जाता है। और इसी दिल्ली दरबार में जो आपका बंगाल विभाजन, जो आपने अभी पढ़ा, उस बंगाल विभाजन को क्या कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है। याद रखिएगा, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। 12 दिसंबर 1912 को बंगाल विभाजन रद्द कर दिया जाता है और भारत की राजधानी बंगाल से हस्तांतरित करके कहां कर दिया जाता है, दिल्ली कर दिया जाता है, नई दिल्ली कर दिया जाता है। ये आपका भारत की राजधानी किस वर्ष बंगाल से दिल्ली हस्तांतरित की गई, जल्दी से बताइएगा, बंगाल से दिल्ली किस वर्ष हस्तांतरित की गई? तो 1912 ईस्वी में किसके द्वारा? जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मैरी के जब स्वागत होता है, इसी के द्वारा घोषणा की जाती है और बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है और राजधानी बंगाल से दिल्ली हस्तांतरित कर दी जाती है और बंगाल को फिर से पुनर्गठित करने की बात की जाती है। और इसी पुनर्गठित में आप देखिएगा कि 1912 में ही बंगाल से बिहार और ओडिशा को अलग करके एक अलग प्रांत बना दिया जाता है। बिहार प्लस ओडिशा को क्या किया जाता है, एक अलग प्रांत बना दिया जाता है। आगे चलकर 1936 में ओडिशा भी क्या होता है, बिहार से अलग हो जाता है। याद रखिएगा, तो ये आपका दिल्ली दरबार इसलिए इंपॉर्टेंट है, फेमस है, इतने बात आपको अगर ध्यान में रखना है। एग्जाम के पीटी के दृष्टिकोण से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो इतना बात आपको कम से कम ध्यान में रखना चाहिए, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपके पीटी में दिल्ली दरबार से नहीं आएंगे। अब आपका 1911 का किस्सा खत्म हो गया, नोट कर लीजिए या आप लोग शेयर कर लीजिए, क्लियर है? चलिए कोलकाता से किया था सर दिल्ली, वेरी गुड अंजलि कुमारी जी, कोलकाता से दिल्ली किया था जी, बंगाल कोलकाता में ही बंगाल में ही कोलकाता था, तो बंगाल आप मानकर चलिए उस समय कोलकाता, ठीक है, यानी कि कोलकाता जो राजधानी थी उसको हस्तांतरित कर दिया कहां, दिल्ली, क्लियर है। चलिए अब 1911 हो गया, 1912 में कोई महत्वपूर्ण घटना घटित नहीं होती है, 1913 में एक महत्वपूर्ण घटना आपको दिमाग में रखना चाहिए, वो क्या होता है, तो गदर पार्टी की स्थापना होती है 1913 में, गदर पार्टी की स्थापना होती है किसके द्वारा, तो लाला हरदयाल उसके बाद आप देखिएगा सोहन सिंह भकना, लाला हरदयाल सोहन सिंह भकना के द्वारा 1913 में गदर पार्टी की स्थापना कहां की जाती है, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में स्थापना किया जाता है, जो गदर पार्टी का मुख्यालय होता है, क्लियर है। चलिए वेरी गुड खुशबू सृष्टि जी, बहुत डर लग रहा है एग्जाम को लेकर के, चलिए ऐसे पढ़ेंगे तो डर नहीं लगेगा, नहीं पढ़िएगा तो डर लगेगा। चलिए तो गदर पार्टी की स्थापना आपने देख लिया 1913 में, फिर 14-15 की कोई, अब 14 में कोई ऐसी महत्वपूर्ण घटना नहीं होती है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है, तो वो वर्ल्ड हिस्ट्री की कहानी है। अब 1915 में देखिएगा आपके लिए फेमस है, क्योंकि इस 1915 में महात्मा गांधी की
क्या होती है? स्वदेश वापसी होती है, यानी कि दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी क्या होते जाते हैं, वापस लौटते हैं। याद रखिएगा, स्वदेश वापसी डेट की बात करते हैं तो 12 जनवरी को। क्लियर है? अब देखिएगा, स्वदेश वापसी होते हैं आपका महात्मा गांधी, और इसी 1915 को महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि दी जाती है। क्लियर है? केसर ए हिंद, सॉरी 12 जनवरी या 15 जनवरी, क्लियर है? चलिए, केसर ए हिंद की उपाधि दी जाती है। क्लियर है? केसर हिंद की उपाधि कब दी जाती है? 1915 को ही दी जाती है। क्लियर है? चलिए, सॉरी 9 जनवरी है, यहां पे मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। चलिए, ये 9 जनवरी करिएगा, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी की क्या हो जाती है, वापसी हो जाती है, और उन्हें केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की जाती है, और इसी 9 जनवरी को आपका प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। क्लियर है? चलिए, अब बात करते हैं महात्मा गांधी, अगर आपसे पूछा जाए कब दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे, 9 जनवरी 1915 को, और इसी वक्त इसे क्या हुआ, केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई। अब अगर महात्मा गांधी की बात करते हैं तो महात्मा गांधी से भी आपसे एक सवाल पूछा जाता है, और ये बीपीएससी का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी से प्रत्येक साल क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको इनकी सारी गाथाओं को ध्यान में रखना होगा। क्लियर है? चलिए, तो महात्मा गांधी की बात करते हैं, अगर जन्म की बात करते हैं तो जन्म कब हुआ था दोस्तों, 2 अक्टूबर 1869 को इनकी जन्म होता है, और मृत्यु की बात करते हैं तो 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु होती है, है ना। अगर बात करते हैं इनके पिता का, तो पिता का नाम क्या होता है, करमचंद गांधी होता है, जबकि महात्मा गांधी का बचपन का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, और पिता का नाम करमचंद गांधी उर्फ काबा गांधी, काबा गांधी, ये इनके पिता का नाम होता है। अगर माता की नाम देखा जाए तो माता के नाम इनका पुतलीबाई, माता के नाम पुतलीबाई। आप देखिएगा कि इनका विवाह जो है 1883 में इनका क्या होता है, विवाह होता है, 1883 में विवाह होता है, और विवाह के 5 वर्ष बाद यानी कि 1888 में ये कहाँ जाते हैं, तो ये इंग्लैंड जाते हैं, है ना, किस लिए, कानून के पढ़ाई करने के लिए, कानून की पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए, इंग्लैंड गए, कब, 1888 ईस्वी में। क्लियर है? इतना पहले नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं, है ना। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड, चलिए, बहुत बढ़िया अंजलि कुमारी जी। तो 1888 में ये इंग्लैंड जाते हैं, कानून की पढ़ाई, 3 साल की डिग्री होती है, और फिर 1888 में वो जाते हैं, और 1800 आप देखिएगा 1891 में उन्हें क्या होता है, तो कानून की डिग्री प्राप्त होती है, कानून की डिग्री प्राप्त होती है 1891 में। और जब 1891 में कानून की डिग्री प्राप्त हुई तो वो वकील बन गए, और सबसे पहले अब्दुल्ला के केस में 1893 में कहां जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका जाते हैं, किसके केस में, अब्दुल्ला के केस में कहां जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका जाते हैं, अब्दुल्ला के केस में दक्षिण अफ्रीका जाते हैं 1893 में। और 1894 में दक्षिण अफ्रीका में ही इनके द्वारा क्या किया जाता है, नटाल कांग्रेस की स्थापना की जाती है, नटाल कांग्रेस की स्थापना की जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि महात्मा गांधी के द्वारा नटाल कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी, 1894 में, ठीक है।
कब की गई थी, 1894 में। कहां किया गया था, दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। उसके बाद 1894 में डटाल कॉलेज की स्थापना किया गया। 1899 में महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका के दो महत्वपूर्ण पद जूल और बोअर पद से सम्मानित किया गया। याद रखिएगा, जूल और बोअर पद से भी इन्हें क्या किया गया, सम्मानित किया गया। और उसके बाद आप देखिएगा 1903 में इनके द्वारा एक इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन किया गया। इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन किया गया कहां पे, दक्षिण अफ्रीका में ही। याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका में ही इसने इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन किया। फिर आप लोग देखिएगा 1906 में दक्षिण अफ्रीका में ही, 1906 में दक्षिण अफ्रीका में ही सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया, यानी कि सत्याग्रह चलाया। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सर्वप्रथम कहां पे किया, तो याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका में किया था। कहां पे किया था, दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। वेरी गुड, चलिएगा, दक्षिण अफ्रीका में किया था। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। 1891 में कानून की डिग्री प्राप्त होती है, 1893 में अब्दुल्ला के केस में दक्षिण अफ्रीका गए, 1894 में नटाल कांग्रेस की स्थापना, 1899 में जूल और बोअर पद, 1903 में इंडियन ओपिनियन और 1906 में दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह। क्लियर है, चलिए उसके बाद आप देखिएगा नेक्स्ट, देखिएगा नेक्स्ट आपका है कि 1910 में इन्होंने क्या करते हैं, तो 1910 में टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना करते हैं। दक्षिण अफ्रीका में ही टॉलस्टॉय की स्थापना करते हैं। टॉलस्टॉय की स्थापना 1910 में करते हैं। इनके द्वारा ये सभी महत्वपूर्ण कार्य है जो आपको याद रखना चाहिए। 1909 में इन्होंने हिंद स्वराज की रचना की थी। 1909 में हिंद स्वराज, क्लियर है। अब देखिएगा महात्मा गांधी को तमाम काम जो है, क्योंकि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में बहुत वक्त बिताया, तो उनके द्वारा बहुत सारा काम किया गया। क्लियर है, चलिए नोट कर लीजिएगा। अब देखिएगा ये सभी महात्मा गांधी से हमेशा देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है। अब उनको क्या है, तो 1915 में 9 जनवरी 1915 में वो क्या आते हैं, भारत यानी कि आते हैं, लौटते हैं। और इसी दिन क्या मिला था उन्हें, तो केसर ए हिंद मिला था। क्लियर है। अब जब भारत आते हैं, तो भारत आने के बाद इनके द्वारा कई आंदोलन चलाए जाते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा 1917 में चंपारण चलाया जाता है, चंपारण सत्याग्रह चलाया जाता है। 1918 में दो प्रमुख आंदोलन, एक आपका हो गया अहमदाबाद मिल हड़ताल किया जाता है, और 1918 में ही खेड़ा आंदोलन चलाया जाता है। किनके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। क्लियर है, चलिए, तो मिल आंदोलन और खेड़ा सत्याग्रह, क्लियर है, बहुत बढ़िया। ये वहां का एक पद था, बोअर पद होता है, जिनसे सम्मानित किया गया था। क्लियर है, चलिए ये हो गया। उसके बाद देखिएगा, बहुत बढ़िया, खेड़ा है, बहुत बढ़िया। 1918 में मजदूर और खेड़ा, क्लियर है, चलिए, वेरी गुड। अभी 1918 हो गया, अब देखेंगे, नोट कर लेते हैं आप, नोट करते जाइएगा आप लोग। 1919 में इन्होंने क्या किया, 1919 में इनके द्वारा क्या किया गया, तो याद रखिएगा 1906 में इसने सत्याग्रह किया था। 1919 में इसने क्या चलाया, तो आप देखिएगा 1919 में खिलाफत आंदोलन को इन्होंने क्या किया, भूमिका निभाई, मतलब खिलाफत आंदोलन को भी चलाया। तो आगे हम लिखते हैं फिर,
देखिएगा अब 1919 की बात करते हैं तो दो प्रमुख घटना, एक आपका देखिएगा 1919 में इन्होंने हिंद स्वराज की रचना किया और खिलाफत आंदोलन में भी अपनी भूमिका दर्ज किया, याद रखिएगा ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे 1920 में इन्होंने असहयोग आंदोलन, 1920 में इन्होंने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया और 1922 में असहयोग आंदोलन क्या किया, वापस कर लिया यानी कि समाप्ति कर लिया। और फिर 1924 में कोलकाता सॉरी 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हुए बेलगांव अधिवेशन की, बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किया। और आपसे पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने किस अधिवेशन में, कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, तो बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। और महात्मा गांधी ने सिर्फ एक बार ही कांग्रेस की अध्यक्षता किए हैं, वो है बेलगांव अधिवेशन। हालांकि अगर कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने की बात किया जाए, कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम किस वर्ष भाग लिए थे, है ना, किस वर्ष भाग लिए थे, तो 1901 के कोलकाता अधिवेशन में इन्होंने सर्वप्रथम भाग लिए थे, शामिल नहीं हुए थे। जब वे भारत आए थे 1901 में तो वे कोलकाता अधिवेशन में सम्मिलित हुए थे, जबकि 1924 में उन्होंने अध्यक्षता किया था और एकमात्र अध्यक्षता उन्होंने किया था। क्लियर है, चलिए तो नोट कर लीजिए आप लोग, 1924 में बेलगांव अधिवेशन होता है, क्लियर है। चलिए उसके बाद आप देखिएगा 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जाता है। 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना किया जाता है। फिर आप देखिएगा 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया जाता है और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जाता है। और यही आपका क्या है, महात्मा गांधी का एक जीवनी है और उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों की सूची है। और फिर 30 जनवरी 1948 को गोडसे द्वारा हत्या कर दी जाती है, क्लियर है। चलिए समझ गए, वेरी गुड। चलिए अब बात करते, नोट करते जाइएगा आप लोग, बात करते हैं महात्मा गांधी को दी गई उपाधि, महात्मा गांधी को दी गई उपाधि की बात करते हैं, कौन कौन सी उपाधि दिया गया। तो आप देखिएगा सर्वप्रथम इन्हें क्या दिया गया, केसर ए हिंद दिया गया, कब, तो 1915 में। दूसरा इसे क्या दिया गया, महात्मा की उपाधि दी गई, किनके द्वारा, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा की उपाधि दी गई थी चंपारण सत्याग्रह के समय 1917 में। उसके बाद देखिएगा राष्ट्रपिता की उपाधि दिया गया, राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा गया दिया गया था 1944 में। फिर उसके बाद देखिएगा वन मैन बाउंड्री कहा था किसने, तो लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा वन मैन बाउंड्री कहा गया। और विस्टन चर्चिल के द्वारा महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। ये आपको इनकी प्रमुख उपाधि है जिसे याद आपको रखना चाहिए, क्लियर है, वेरी गुड। कोई दिक्कत है, चलिए
नोट करते जा रहे हैं आप लोग, बाद में मत कहिएगा कि सर पीडीएफ दीजिए। और जो लोग देख रहे हैं सब, जो लोग लाइव है उनको मैं देख रहा हूँ, सबका नाम मैं पढ़ रहा हूँ। पीडीएफ सिर्फ उन्हीं को मिलेगा, बाकी किन्हीं को पीडीएफ नहीं मिलेगा, जो लोग नहीं देख रहे हैं। और अगर पीडीएफ मांगेंगे तो उन्हें पीडीएफ नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपका हो गया पूरे महात्मा गांधी की एक स्टोरी। चलिए अब देखते हैं, बात करते हैं दोस्तों। तो हम लोग चल रहे थे 1915 पे, क्योंकि हमने तो अभी आपको पूरी सफर तय करा दिया महात्मा गांधी का, लेकिन वास्तविक में हम लोग चल कहां रहे थे 1915 में, जब महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को क्या हुए, वे भारत आए, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से। तो 1915 की कहानी समझ गए। अब 1916 में देखिएगा, 1916 में बहुत इंपॉर्टेंट घटना घटित होती है, और वो है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन याद रखिएगा, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की बात करें तो अध्यक्षता किसने किया था, इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजुमदार ने किया था। अंबिका चरण मजुमदार के द्वारा किया गया था। तो 1916 का लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया, अंबिका चरण मजुमदार के द्वारा किया गया था। अब ये फेमस क्यों रहा, क्यों हमारे इतिहास में इसका नाम लिया जाता है, क्योंकि इसी अधिवेशन में जो गरम दल और नरम दल का 1907 के सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था, विभाजन हुआ था, यानी जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में, गरम दल और नरम दल दो गुटों में बट गया था, अब उनका यहां पे एकीकरण हो जाता है, यानी कि 1916 के अधिवेशन में ही गरम दल और प्लस नरम दल क्या होते हैं, एकजुट हो जाते हैं, याद रखिएगा। यानी कि यही 1916 की खास विशेषता रही कि गरम दल और नरम दल क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। और दूसरी बात यह भी रही कि इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग भी साथ साथ अधिवेशन करने की योजना बनाई, यानी कि लखनऊ अधिवेशन में ही मुस्लिम लीग का भी अधिवेशन किया गया। तो ये आपका 1916 का अधिवेशन है, जिसे आपको है ना याद रखना चाहिए। अध्यक्षता अंबिका चरण मजुमदार ने किया था, लेकिन इस आंदोलन का, इस अधिवेशन का विरोध किया गया था, क्योंकि मुस्लिम लीग को इसमें शामिल किया गया था। और हमारे मदन मोहन मालवीय ये हिंदू के बहुत बड़े समर्थक थे, तो इन्होंने विरोध किया। किसका विरोध किया, तो यह जो लखनऊ अधिवेशन है इसका विरोध किसने किया था, मदन मोहन मालवीय ने इस अधिवेशन का विरोध किया था कि भारतीयों के साथ साथ मुस्लिमों की समान सभाएं आयोजित नहीं की जानी चाहिए। क्लियर है, चलिए वेरी गुड। देखिएगा, लखनऊ पैक्ट हुआ और मुस्लिम समझौता, बिल्कुल सही बात। तो ये इसमें आप देखिएगा, तो दो बात, एक तो गरम दल और नरम दल के बीच समझौता हुआ, और दूसरा मुस्लिम लीग के साथ भी समझौता हुआ। इसीलिए आपका 1916 का जो ये लखनऊ अधिवेशन है वो इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी बात करते हैं 1917, हम डेट वाइज आ रहे हैं, और 1947 तक का सफर करेंगे। 1917 पर हम लोग चलाए हैं, आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए। चलिए 1917 पे हम आते हैं, देखिएगा 1917, तो 1917 का जो लाइट आ गई है, क्लास स्टार्ट होने वाली है। चलिए, थोड़ी सी लाइट चली गई थी इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ गया है, फिर से हम लोग शुरुआत करेंगे सेशन की। चलिए जल्दी से आप लोग
आप लोगों में से कोई एक ग्रुप में, सभी ग्रुप में मैसेज कर दीजिए कि सेशन फिर से स्टार्ट हो गया है ना, सेशन फिर से स्टार्ट हो गया है, मैसेज कर दीजिए आप लोग में से कोई एक। चलिए, आवाज वगैरह सबसे जा रही है ना, वेरी गुड। चलिए, चलिए तो हम लोग कहाँ पे चल रहे थे, हम लोग चल रहे थे 1917 पे, ठीक है। 1917 में हमने क्या कहा था कि चंपारण आंदोलन हुआ है। चलिए, वेरी गुड। अब उससे हम लोग आगे चलेंगे, 1917 तक आपका कंप्लीट हो गया था, इंटरवल हुआ था। चलिए, बहुत बढ़िया, पॉपकॉर्न खा लिए आप लोग, अब आ जाइए, जुड़ जाइए सब लोग। इंटरवल समाप्त हो गया है, फिर से हम लोग अब स्टार्ट करेंगे जहाँ तक हमने समाप्त किया था। जल्दी से बताइए कहाँ तक आपका हुआ था। मेरे ख्याल से 1917 तक हम लोग लखनऊ अधिवेशन की बात कर रहे थे, क्लियर है। चलिए, तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था, किसकी अध्यक्षता में की गई थी, फटाफट बताइएगा और शेयर कर दीजिएगा। लाइट कट गई थी और सभी लोग से रिक्वेस्ट भी है कि ग्रुप में आप लिख दीजिए एक बार, है ना, ग्रुप में आप लिख दीजिए एक बार कि भाई क्लास स्टार्ट हो गई है, ठीक है। एक रिक्वेस्ट है, सारा ग्रुप में आप लोग लिख दीजिए कि क्लास स्टार्ट हो गई है, क्लियर है। चलिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, है ना, वेरी गुड। आइए, अब हम बात कर रहे थे 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। तो 1916 का लखनऊ अधिवेशन आपका क्लियर हो गया। 1917 में कौन सी प्रमुख घटना घटित होती है, तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह, और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1917 में अगर बात करते हैं, 1917 में कौन सी घटना, चंपारण, और बीपीएससी के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह किसके द्वारा किया गया था, तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, क्लियर है। मुरली बौरहवा के निवासी राजकुमार शुक्ल के कहने पर, याद रखिएगा, मुरली बौरहवा, आपसे यह भी प्रश्न पूछा गया बीपीएससी में कि राजकुमार शुक्ल किस जगह के निवासी थे, मुरली बौरहवा के निवासी जिनका नाम होता है राजकुमार शुक्ल, मुरली बौरहवा के राजकुमार शुक्ल के द्वारा ही महात्मा गांधी को बुलाया जाता है, क्योंकि चंपारण कृषकों की स्थिति के बारे में उनको बताया जाता है। चंपारण में जो नील कृषकों की स्थिति थी बहुत ही क्या थी, दयनीय थी। इसमें तीन कठिया पद्धति लागू था, कौन सी पद्धति, तो तीन कठिया मतलब याद रखिएगा 3/20 भूभाग पर क्या किया जाता था, ये आपका खेती की जाती थी, इसी को तीन कठिया प्रथा जो है वह कहा गया है, क्लियर है। चलिए, तो इसमें आप देखिएगा कि महात्मा गांधी का बहुत बड़ा क्या होता है, रोल होता है, और महात्मा गांधी और बिहार के बहुत जो है नेताओं के द्वारा भी, है ना, बिहार के बहुत प्रमुख नेताओं के द्वारा इनको सफल बनाया जाता है। आगे हम बिहार स्पेशल में इस सत्याग्रह आंदोलन को और भी डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको बस जानना है कि महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, और यहाँ पे तिनकठिया प्रथा चलित प्रचलित थी, जिसे 3/20 भूभाग पर खेती नील की करनी होती थी। इसी को लेकर के नील कृषकों ने के द्वारा इनकी क्या की गई थी, विरोध की गई थी, अंततः महात्मा गांधी के द्वारा इनका विरोध किया गया और चंपारण सत्याग्रह चलाया गया, जिसे, है ना, जिसमें महात्मा गांधी क्या होते हैं, सफल होते हैं, महात्मा गांधी सफल होते हैं, और किसानों की जो तिनकथिया व्यवस्था थी इसे समाप्त कर दिया जाता है। चलिए, तो ये आपका चंपारण हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं 1917 के बाद, आप देखिएगा 1918 में हमने क्या बताया, दो प्रमुख आंदोलन
हमने इसकी पहली चर्चा आपको कर दिया। 1918 में दो प्रमुख आंदोलन, एक आपका हो गया अहमदाबाद मिल सत्याग्रह और दूसरा हो गया आपका खेड़ा आंदोलन, दो प्रमुख आंदोलन और ये भी महात्मा गांधी के द्वारा ही चलाया गया। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया पुरुषोत्तम कुमार जी, अंजलि कुमार जी, क्लियर है? लाइट आ गई है। अब देखिएगा, अब बात करते हैं दोस्तों, तो अब प्रमुख जो है, हमने आपको पहले कहा था कि यहां पे हम लोग प्रमुख प्रमुख घटनाओं की ही चर्चा करेंगे। अब देखिएगा 1919 की बात अगर करते हैं, 1919 में हम लोग आते हैं, वर्ष 1919 की दो प्रमुख घटना है आपको याद रहना चाहिए। पहला तो आपका एक है रॉलेट एक्ट, है ना, पहला आपका एक है रॉलेट एक्ट और दूसरा आपका है दोस्तों, याद रखिएगा, खिलाफत आंदोलन। क्लियर है? चलिए, खिलाफत आंदोलन, रॉलेट एक्ट और खिलाफत आंदोलन, सॉरी ये तो दोनों एक ही हो गया, रॉलेट एक्ट और खिलाफत आंदोलन, सही है। चलिए अब देखिएगा कि 1919 में रॉलेट एक्ट आता है और इस रॉलेट एक्ट को ही क्या कहा गया, काला कानून कहा गया। क्या कानून कहा गया? काला कानून कहा गया। क्लियर है? चलिए, इस एक्ट को ही क्या कहा गया दोस्तों, काला कानून कहा गया। क्योंकि लाइट कटने से थोड़ी जो है कंटिन्यूटी बिगड़ जाती है ना, फिर से माइंड सेटअप करने में थोड़ा समय लगता है। क्लियर है? चलिए, तो आपको काला कानून कहा गया है किसे, रॉलेट एक्ट को, और ये कब आया था, 1919 ईस्वी में आया था। अब यह कानून जो लाया गया था, यह कानून कैसा कानून था, तो यह बिना किसी पूछे किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर क्या किया जा सकता था, गिरफ्तार कर लिया जाता था। इसीलिए इस कानून के विरोध में कई सारे राजनेताओं ने भाग लिए और इसे काला कानून कह करके क्या किया, विरोध किया। क्लियर है? अब इसी रॉलेट एक्ट कानून की अगर बात करते हैं, तो इसी में कई नेताओं को क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इसी में देखिएगा कि पंजाब के दो महत्वपूर्ण नेता, डॉक्टर आप देखिएगा सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसी के गिरफ्तारी के विरोध में पंजाब के अमृतसर में क्या होता है, पंजाब के अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को एक जनसभा बुलाई जाती है और इसी जनसभा पर जो उस समय अधिकारी होते हैं, जनरल ओ डायर के द्वारा गोलीबारी की जाती है और कई लोगों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसीलिए इसको क्या कहा गया, जलियांवाला हत्याकांड कहा गया, यानी कि इसी समय आपका जलियांवाला हत्याकांड भी होता है। जलियांवाला कांड कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को आपका जलियांवाला हत्याकांड होता है पंजाब के अमृतसर में। क्लियर है? अब यह जब जलियांवाला हत्याकांड आपका हुआ दोस्तों, तो इस जलियांवाला हत्याकांड से क्षुब्ध होकर के कई सारे हमारे देश के जो वरिष्ठ लोग थे, उन्होंने अपनी उपाधि लौटाना शुरू किया। जैसे कि आप देखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी गई थी, किसके विरुद्ध में, जलियांवाला बाग के हुए नरसंहार से क्षुब्ध होकर हमारे रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया था, नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। दूसरा, शंकरन नायर ने अपने वायसराय के पद से इस्तीफा दे दिया। और कई बार ये प्रश्न पूछ दिया जाता है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने, है ना, जलियांवाला हत्याकांड से क्षुब्ध होकर के अपने वायसराय के कार्यकारिणी पद से इस्तीफा दे दिया, तो वायसराय के कार्यकारिणी पद से इस्तीफा देने वाला व्यक्ति कौन था, तो आपका शंकरन नायर था। क्लियर है? तो आपको ये याद होना चाहिए। चलिए, शंकरन नायर था।
वेरी गुड। चलिए तो ये आप देखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा नाइटहुड की उपाधि लौटा दी गई, शंकरन नायर के द्वारा वायसराय के कार्यकारिणी पद से इस्तीफा दे दिया गया। उसके बाद जो सीएफ एंड्रूज थे, जिसे दीन बंधु की संज्ञा दी गई है, सीएफ एंड्रूज अंग्रेज थे लेकिन भारतीय से इन्हें बहुत लगाव था, महात्मा गांधी जी ने दीन बंधु की उपाधि दी थी। सीएफ एंड्रूज ने इस जलियांवाले बाग हत्याकांड को क्या नाम दिया, तो इसने कहा कि यह जानबूझकर की गई क्या है, एक साजिश है। यानी कि उन्होंने कहा कि यह जलियांवाला बाग जो है हत्याकांड, यह जानबूझकर की गई एक हत्या है। अब जब जलियांवाला बाग की हम बात करते हैं तो आइए देखिएगा, जलियांवाला हत्याकांड की बात करते हैं तो हमने क्या बताया, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कब हुआ था, तो ये 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, है ना। कारण क्या था, कारण क्या था, तो पंजाब के दो नेताओं की गिरफ्तारी की गई थी दोस्तों, पंजाब के दो नेताओं। अब ये दो नेता कौन कौन थे, तो सत्यपाल मलिक और दूसरा सैफुद्दीन किचलू। ये दो प्रमुख नेता थे जिनको गिरफ्तार कर लिया गया था, और इन्हीं के गिरफ्तारी के विरोध में स्थल कौन सा स्थल, यानी कि पंजाब के अमृतसर, पंजाब के अमृतसर में स्थित जलियांवाला बाग में एक जनसभा बुलाई गई थी, बैसाखी पूर्णिमा का दिन था, और इसी सभा में गोलीबारी की जाती है, गोली इन सभा पर जुटे हुए भीड़ पर जनरल ओ डायर के द्वारा गोलीबारी की जाती है, जिनसे कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसी घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया। अब यह जो घटना घटित होती है, तो हमने क्या कहा कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा इस घटना से क्षुब्ध होकर के नाइटहुड की उपाधि लौटा दी जाती है, शंकरन नायर के द्वारा वायसराय के कार्यकारिणी पद से इस्तीफा दे दिया जाता है, सीएफ एंड्रूज के द्वारा इसे जानबूझकर की गई हत्या की संज्ञा दी गई। अब क्या होता है कि इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए ब्रिटिश सरकार एक जांच कमेटी का गठन करता है, यानी कि एक कमेटी का गठन करता है जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए, जिसे हंटर, याद रखिएगा, जिसे क्या कहा गया, हंटर कमेटी कहा गया, जिसे क्या कहा गया, हंटर कमेटी कहा गया दोस्तों। ये कब, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस कमेटी का गठन किया गया, हंटर कमेटी का गठन किया गया, और इसमें तीन भारतीयों को जो है सदस्यता प्राप्त हुई, तीन भारतीयों को शामिल किया गया। एक आपका है क्या, तो हंटर कमेटी सी एच सीतलवार, दूसरा पंडित जगत नारायण और तीसरा सैयद अहमद। तीन व्यक्ति को क्या किया गया, इस हंटर कमीशन का क्या बनाया गया, तो इस हंटर कमीशन का या हंटर आयोग कह सकते हैं, इस हंटर आयोग का सदस्य बनाया गया। दोस्तों आपसे कई बार पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन जलियांवाला बाग के बाद गठित किया गया हंटर आयोग का सदस्य नहीं था, तो आप देखिएगा ये सीएच सीतलवार, पंडित जगत नारायण और सैयद अहमद इसके सदस्य थे। रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया और रिपोर्ट में ब्रिटिश सरकार को दोषी करार नहीं दिया गया। दूसरा, कांग्रेस ने भी अपनी जांच समिति का गठन किया, किसकी अध्यक्षता में, मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में कांग्रेस के द्वारा एक जांच समिति का गठन किया जाता है, जिसके प्रारूप यानी कि रिपोर्ट लिखने का काम महात्मा गांधी को दिया जाता है। अंततः होना जानी कुछ नहीं,
ब्रिटिश सरकार इससे बाइज्जत बड़ी हो जाती है और इसी जलियांवाला बाग का बदला लेने के लिए 1940 में लगभग 21 वर्षों के बाद उधम सिंह के द्वारा, किसके द्वारा, उधम सिंह के द्वारा इंग्लैंड जा करके, कहां जा करके, भारत नहीं, इंग्लैंड जा करके जो जलियांवाला कांड के समय में जो गोलीबारी करते हैं उनका नाम क्या होता है, जनरल ओ डायर। तो उधम सिंह के द्वारा 1940 में इंग्लैंड जाकर के जनरल डायर की गोली मार के हत्या कर दी जाती है और उधम सिंह को इसके लिए मृत्यु दंड की सजा भी सुनाई जाती है। हालांकि जिस जनरल डायर की हत्या किया था उधम सिंह ने, वो वास्तविक जनरल डायर नहीं था, यानी कि वो जनरल डायर नहीं था जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोलीबारी की थी, बल्कि वह कौन जनरल डायर था, तो वो माइकल ओ डायर था। और लेकिन गोलीबारी जो चलाया था वो जनरल ओ डायर था। तो हत्या किसी और ने करवाई थी और हत्या किसी और की कर दी गई थी, लेकिन परिणाम हुआ कि उधम सिंह को पकड़ करके मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई। तो ये आपका हंटर कमीशन और जलियांवाला बाग आपका समाप्त हो गया 1919। अब 1919 में हमने आपको दूसरी घटना बताई कि एक और घटना घटित होती है और वह है आपका खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन की अगर बात करते हैं तो आप सभी को मालूम है कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। प्रथम विश्व युद्ध में जो मित्र राष्ट्र है वह तुर्की के अगेंस्ट में लड़ता है। प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद जो भारतीय मुसलमान थे उनको ब्रिटिश राजनीतिज्ञों के द्वारा यह आश्वासन दिया जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद वह तुर्की का विघटन नहीं करेंगे, क्योंकि तुर्की के जो खलीफा थे वह भारतीय मुसलमानों के लिए सबसे क्या होते हैं, इष्ट होते हैं और उनका बहुत ही सम्मान करते हैं। तो ब्रिटिश राजनीतिज्ञों के द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की का विघटन नहीं किया जाएगा, खलीफाओं का विघटन नहीं किया जाएगा। लेकिन जैसे ही विश्व युद्ध की समाप्ति हुई ब्रिटेन के द्वारा तुर्की का विघटन कर दिया गया, जिससे जो भारतीय मुसलमान थे उनमें ब्रिटिश सरकार के प्रति असंतोष की लहर दौड़ गई, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जो खलीफा थे उनको विघटन कर दिया गया था। तो अब भारतीय मुसलमान ब्रिटिश सरकार यानी ब्रिटिशों के खिलाफ असंतोष की भावना रखने लगे और परिणाम क्या हुआ कि खिलाफत आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया 1919 ईस्वी में। दो प्रमुख व्यक्ति है ना, किसके द्वारा, तो मोहम्मद अली है ना और शौकत अली, मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा क्या किया गया, खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ कर दिया गया। क्लियर है, चलिए। तो शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा क्या किया गया, खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ कर लिया गया। और आपसे अगर पूछा जाए कि इसका कारण क्या था, तो कारण क्या था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात, प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के पश्चात तुर्की का क्या करना, विघटन करना। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है ना, कि खिलाफत आंदोलन का कारण क्या था, तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन के द्वारा तुर्की का विघटन करना ही इसका क्या था, प्रमुख कारण था। लेकिन आप देखिएगा कि ये आंदोलन प्रारंभ किया गया मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा। अब महात्मा गांधी भी ऐसे अवसर की तलाश कर रहे थे, वो भी राजनीतिक अवसर की तलाश कर रहे थे और उनके लिए ये बहुत ही सुनहरा अवसर के रूप में मिला और इसीलिए महात्मा गांधी इस आंदोलन से जुड़ गए। और इस आंदोलन ने तब और उग्र रूप धारण कर लिया, यानी कि तब और अत्यधिक जोर शोर से चलाया जाने लगा जब महात्मा गांधी की इसमें प्रवेश हुआ। महात्मा गांधी भी इस खिलाफत आंदोलन में क्या किए, भागीदारी हुए। हालांकि इसका जो है मदन मोहन मालवीय के द्वारा विरोध भी किया गया था।
मदन मोहन मालवीय ने महात्मा गांधी को इस आंदोलन से जुड़ने पर विरोध किया था, और दूसरा मोहम्मद अली जिन्ना ने भी विरोध किया था, और महात्मा गांधी को धर्म की इस लड़ाई को स्वतंत्रता से नहीं जोड़ने का सलाह दिया था। यानी कि अली जिन्ना ने कहा था कि यह मुस्लिमों का धर्म का, यह मुस्लिमों का समाज का लड़ाई है, इसे आप स्वतंत्रता से ना जोड़े, यानी कि धार्मिक लड़ाई को स्वतंत्रता से ना जोड़ने की सलाह दिया था कौन, मोहम्मद अली जिन्ना ने, किसको, महात्मा गांधी को। लेकिन महात्मा गांधी डटे रहे और इस आंदोलन का नेतृत्व किए, और देखते ही देखते इस आंदोलन में हिंदू और मुस्लिम का एक ऐसा स्वर्णिम एकता देखने को मिला, जिसे महात्मा गांधी ने कहा कि यह जो आंदोलन में हिंदू मुस्लिम का एकता का ऐसा स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ जो आगे 100 वर्षों तक भी देखने को नहीं मिलता। यह किसने कहा था, तो महात्मा गांधी ने कहा था, किसके तहत, खिलाफत आंदोलन के समय में। तो यह आपका 1919 का खिलाफत आंदोलन था, नोट करना है तो नोट कर लीजिए, क्लियर है, चलिए नोट करना है नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी गुड। हमारा कमेंट नहीं आ रहा आप लोगों का, एक मिनट आप लोग रुकिएगा, कमेंट नहीं आ रहा, शो कर रहा है, कमेंट पढ़ नहीं पा रहे आप सभी का। चलिए हाँ ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, खिलाफत आंदोलन हो गया। चलिए अब 1919 आपकी समाप्ति हो गई, अब है आपका 1920। 1920 की प्रमुख घटना आप सभी जानते हैं वह क्या है, असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन, क्लियर है, चलिए बहुत जल्दी से बताइएगा, है ना, चलिए असहयोग आंदोलन, देखिए वेरी गुड, जल्दी से बताइएगा असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी दोस्तों, 1 अगस्त, है ना, 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी, किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अब इसके पीछे की कहानी ये है कि दिसंबर 1920 में नागपुर का अधिवेशन होता है, उससे पहले कोलकाता का अधिवेशन होता है, और कोलकाता का अधिवेशन में महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग प्रस्ताव लाया जाता है, लेकिन अध्यक्ष के पद पर चित्तरंजन दास थे, उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, यानी कि चित्तरंजन दास इस प्रस्ताव को पारित नहीं किए। ठीक उसी वर्ष 1920 दिसंबर 1920 में नागपुर का अधिवेशन होता है, और इस नागपुर के अधिवेशन में चित्तरंजन दास ने स्वयं क्या किए, इस असहयोग प्रस्ताव को पारित कर दिए, यानी कि वही चित्तरंजन दास जिसने इसके पूर्व के कांग्रेस की सभाओं में असहयोग प्रस्ताव पर अपनी मत नहीं दिया था, लेकिन उनके द्वारा पुनः ही क्या किया गया, इसे स्वीकृति प्रदान की गई। तो 1 अगस्त 1920 को इसकी शुरुआत होती है, लेकिन ये जो असहयोग आंदोलन था इसमें महात्मा गांधी ने 1 वर्ष के अंदर स्वतंत्रता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा था। लक्ष्य क्या रखा गया, एक वर्ष के भीतर, है ना, स्वतंत्रता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया, लेकिन बीच में ही ऐसी घटना घटित हो जाती है जो कि हिंसात्मक रूप ले लेता है, और उस घटना का नाम है चौरी चौरा की घटना घटित होती है 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक स्थान पर। इसमें
भीड़ द्वारा एक पुलिस स्टेशन को जला दिया जाता है, जिसमें कई पुलिसकर्मियों की मौत हो जाती है। महात्मा गांधी इस चौरा चौरी कांड से क्षुब्ध हो जाते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य था अहिंसात्मक ढंग से आंदोलन चलाना, लेकिन जैसे ही इस आंदोलन ने हिंसात्मक रूप अपनाया, महात्मा गांधी इससे नाखुश हो जाते हैं और 5 फरवरी को चौरा चौरी कांड होता है और महज 7 दिनों के बाद ही यानी कि 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन की क्या कर दिया जाता है, समाप्ति कर दी जाती है, यानी कि महात्मा गांधी से वापस कर लेते हैं। तो असहयोग आंदोलन से आपको इस बातों को ध्यान रखना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि शुरुआत कब की गई, 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी के द्वारा लक्ष्य क्या रखा गया, 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति, उसके बाद 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ, चौरी चौरा हत्याकांड हुआ, और 12 फरवरी को आप देखिएगा क्या हुआ, तो असहयोग आंदोलन की समाप्ति हो जाती है। क्लियर है, चलिए नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। चलिए अब देखिएगा कि 12 फरवरी को क्या होता है, असहयोग आंदोलन की वापसी कर लेते हैं महात्मा गांधी, और 10 मार्च को एक ही महीने बाद 10 मार्च को महात्मा गांधी को क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। 10 मार्च को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, 6 वर्ष का कारावास की सजा सुनाई जाती है, लेकिन स्वास्थ्य संबंधित समस्या होने के कारण महात्मा गांधी को जल्द ही रिहा कर दिया जाता है। या जो असहयोग आंदोलन था दोस्तों, इसी से क्षुब्ध होकर के महात्मा गांधी ने अपने केसर ए हिंद की उपाधि वापस कर दिया था। कमेंट में बताइएगा दोस्तों कि केसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को कब दिया गया था, हमने अभी जस्ट आपको बताया है। इसी असहयोग आंदोलन से क्षुब्ध होकर के महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि क्या किया, लौटा दिया। प्रश्न पूछा जाता है निम्नलिखित में से किस आंदोलन से निराश होकर के या किस आंदोलन के समाप्ति के बाद महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी, तो वह असहयोग आंदोलन है। दूसरा, जो इनके सबसे विश्वसनीय होते हैं जिनका नाम है जमना लाल बजाज, याद रखिएगा जमना लाल बजाज, जमना लाल बजाज के द्वारा भी राय बहादुर की उपाधि जो है लौटा दिया जाता है, राय बहादुर की उपाधि लौटा दिया जाता है। तो 2 उपाधि आपको याद रखना चाहिए, महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि लौटा दिया और जमना लाल बजाज ने राय बहादुर की क्या हो गया, उपाधि लौटा दिया गया। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। अब इस असहयोग आंदोलन के दौरान कई सारे राजनेताओं ने अपनी वकालत भी छोड़ दी। बिहार के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के निम्नलिखित में से किस नेता ने वकालत छोड़ दी, राजेंद्र प्रसाद। तो असहयोग आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, चितरंजन दास, इन सभी के द्वारा क्या किया गया, तो वकालत छोड़ दिया गया। लिख लीजिएगा, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, चितरंजन दास और बिहार के राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। क्लियर है ना, एक जैसा नाम कोई मत रखना, चलिए याद रखिएगा। तो ये क्या है, आपका उपाधि जो है वकालत का कार्य छोड़ दिए थे, ये आपका असहयोग आंदोलन हो गया 1920 की। चलिए अब 1920 में देखिएगा, एक और प्रमुख घटना घटित होती है। ये घटना नहीं घटित होती है बल्कि एक बहुत अच्छा कार्य किया जाता है 1920 में, और वो है आपका अखिल भारतीय राष्ट्रीय, है ना, अखिल भारतीय आईटक जिसको हम लोग कहते हैं AITUC, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय
अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसे हम लोग शॉर्ट में AITUC कहते हैं, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किया जाता है। अगर डेट आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा 31 अक्टूबर 1920 को इसका क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। किसका? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के द्वारा। किसके द्वारा? तो NM जोशी के द्वारा गठित किया जाता है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना NM जोशी के द्वारा किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। कहाँ किया जाता है? तो मुंबई में किया जाता है। और यह जो आइटक है, इसका जो प्रथम अध्यक्ष बनते हैं वो लाला लाजपत राय को प्रथम अध्यक्ष बनाया जाता है, और जोसेफ बपिस्टा को इसके उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं। तो ये आपका हो गया ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना, सॉरी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना, यानी कि आईटक की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को NM जोशी के द्वारा मुंबई में किया जाता है, और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बनते हैं? लाला लाजपत राय बनते हैं। कमेंट में बताइएगा दोस्तों जल्दी से कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था, विभाजन कब हुआ था जल्दी से बताइएगा, विभाजन कब हुआ था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का, है ना? हमने कई बार आपको बताया भी है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था। तो याद रखिएगा कि आईटक का यानी कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अगर विभाजन की बात करते हैं, जिस प्रकार से कांग्रेस का विभाजन हुआ था ना, उसी प्रकार से आईटक का भी विभाजन होता है। वो आपका कब होता है? 1929 के नागपुर अधिवेशन। अब ये मत सोच लीजिएगा कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपना अधिवेशन अलग व्यवस्थित करते थे, जबकि आईटक का अधिवेशन अलग होता था, क्योंकि 1929 में देखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है, जबकि आईटक का नागपुर अधिवेशन होता है। और इसी अधिवेशन में आईटक का ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। तो आपको यहां पे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बारे में पूरी जानकारी मिल गई। अब देखिएगा नेक्स्ट हम देखेंगे, अब हम लोग 1920 पे चल रहे थे, 1922 तक हमने देख लिया। 1922 में असहयोग आंदोलन वापस कर लिया जाता है 12 फरवरी 1922 को। अब आते हैं 1923 में। 1923 में जो सबसे प्रमुख, आप देखिएगा कि असहयोग आंदोलन जब विफल हो जाता है, तो असहयोग आंदोलन की विफलताओं के बाद उनके जो और नेताएं थे उनमें बहुत सी क्या हो जाती है? निराशजनक ये भाव उत्पन्न हो जाता है। और असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद ही दो व्यक्ति मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास के द्वारा 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की जाती है। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किनके द्वारा? मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना किया जाता है। क्लियर है? जिसमें आप देखिएगा कि जो मोतीलाल नेहरू होते हैं वे क्या बनते हैं? तो ये महासचिव बनते हैं। महासचिव मोतीलाल नेहरू बनते हैं और चितरंजन दास इनके अध्यक्ष बनते हैं स्वराज पार्टी की। तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास के द्वारा। मोतीलाल नेहरू महासचिव और चितरंजन दास इसके अध्यक्ष बनते हैं। क्लियर है? चलिए वेरी गुड, है ना? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए अब हम लोग 1923 तक देख लिए हैं, अब 24 में आएंगे। तो 1924 में एक महत्वपूर्ण बात याद रखना है कि 1924 में कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन होता है, और हमने आपको गांधी जी में ही बता दिया था कि 1924 के बेलगांव अधिवेशन में ही महात्मा गांधी ने अध्यक्षता किया था, और महात्मा गांधी अपने जीवन में यानी कि पूरे कांग्रेस के अधिवेशन में सिर्फ और सिर्फ एक बार अध्यक्षता किए, वह है 1924 का बेलगांव अधिवेशन जो कर्नाटक में हुआ था। और अगर सम्मिलित होने की बात किया जाए तो महात्मा गांधी 1901 के कोलकाता अधिवेशन में सम्मिलित हुए थे। क्लियर है? चलिए, कोलकाता अधिवेशन में सम्मिलित हुए थे तो याद रखना है। चलिए नोट कर लीजिए आप लोग, फिर हम लोग आगे चलते हैं। क्लियर है? अब 1924 हम लोग देख लिए, 1925 में कोई ऐसी घटना घटित नहीं होती है जो आपके एग्जाम के लिए है। 26, 27, अब हम आएंगे 1928 में। क्लियर है? चलिए 1928 में आते हैं, और 1928 की अगर बात करते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए 1928 में एक प्रमुख चीज आपको याद रखना है, वो है साइमन कमीशन। याद रखिएगा, साइमन कमीशन 1928 में, साइमन कमीशन। देखिएगा यह जो साइमन कमीशन, सबसे पहले आप देखिएगा किसकी अध्यक्षता में, तो जॉन साइमन की अध्यक्षता में ही जो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होते हैं अस्टेलनी बोल्डविन के द्वारा क्या किया जाता है, जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक कमिटी बनाई जाती है। क्योंकि जॉन साइमन इसके अध्यक्ष होते हैं इसीलिए इसे साइमन कहा गया, और उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, अस्टेलनी बोल्डविन थे, इसीलिए इसे साइमन कमीशन कहा गया। इस साइमन कमीशन में जॉन साइमन के अतिरिक्त 7 अन्य सदस्य भी थे, और ये सातों के सातों क्या थे, अंग्रेज थे। इसीलिए हमारे भारतीय नेताओं ने इसे श्वेत कमीशन व्हाइट कमीशन कह के क्या किया, बहिष्कार किया। याद रखिएगा, श्वेत कमीशन कह के इसका क्या किया, बहिष्कार किया। तो साइमन कमीशन, इसे सिमोन कमीशन कहा जाता है, जॉन साइमन की अध्यक्षता में अस्टेलनी बोल्डविन के द्वारा ये कमीशन नियुक्त किया गया था, जिसे श्वेत कमीशन कह करके हमारे भारतीय नेताओं ने विरोध किया। अगर बात करते हैं तो ये भारत कब आया, भारत कई बार पूछा गया है कि भारत कब पहुंची, 3 फरवरी 1928 को ये सर्वप्रथम मुंबई आता है, साइमन कमीशन सर्वप्रथम मुंबई पहुंचती है 3 फरवरी 1928 को। जैसे ही ये भारत आते हैं, भारत के तमाम राजनीतिक नेताओं के द्वारा इसे क्या कहा गया, व्हाइट कमीशन गो बैक, सिमोन कमीशन गो बैक नारे के साथ जुलूस किए गए, प्रदर्शन किए गए, विरोध किए गए जगह जगहों पर, और इसे क्या किया जाता है, विरोध में वापस भेजा जाता है। क्लियर है? तो ये आपका है साइमन कमीशन। अब इसका परिणाम बहुत ही बुरा होता है, परिणाम बुरा ये होता है कि इसी साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे कौन, लाहौर में विरोध कर रहे थे पंजाब के जाने माने नेता लाला लाजपत राय, पंजाब के जाने माने नेता लाला लाजपत राय क्या कर रहे थे, इनका विरोध कर रहे थे लाहौर में। लेकिन विरोध करते समय ही जो सेना अधिकारी सॉन्डर्स होते हैं उनके द्वारा लाला लाजपत राय पर क्या चलाई जाती है, तो लाठियां चलाई जाती है। किसके द्वारा, सॉन्डर्स के द्वारा।
सॉन्डर्स के द्वारा लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाई जाती है और इन्हीं लाठियों से वे घायल होते हैं और उनकी मौत हो जाती है 17 नवंबर 1928 को। 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब दोस्तों लाला लाजपत राय जो है ना, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये पंजाब के बहुत बड़े नेता थे और एक क्रांतिकारियों के भी बहुत बड़े नेता थे, राष्ट्रवादियों के भी नेता थे। जैसे ही इनकी मृत्यु होती है, इनकी बर्बरता से इतना मतलब लाठी मार करके मौत कर देना, मार देना, कितनी बड़ी बर्बरता हुई है। तो सभी जो उस समय क्रांतिकारी युवा थे, जो खास करके भगत सिंह जो पंजाब के थे, उनके लिए ये सब इष्ट के समान थे, इन्हें अपने अग्रणी नेता मानते थे। तो लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद क्या होता है कि सभी क्रांतिकारियों में रोष की लहर फैल जाती है और इसी से फिर देखिएगा एक नया फिर क्रांतिकारी चरण का उद्भव होता है। तो अब थोड़ा सा हम फ्लैशबैक जाएंगे और बात करेंगे क्रांतिकारी चरणों की, क्रांतिकारी चरणों की। चलिए क्रांतिकारी चरणों की अगर बात करते हैं, क्रांतिकारी चरण की शुरुआत, तो देखिएगा शुरुआत जो होता है सर्वप्रथम इसकी शुरुआत देखिएगा मित्र मेला से होता है। याद रखिएगा सर्वप्रथम इसकी शुरुआत जो होता है मित्र मेला नामक संगठन से होता है। इस मित्र मेला का जो स्थापना किया गया था 1899 में बीडी सावरकर के द्वारा किया गया था। अब थोड़ा सा हम लोग फ्लैशबैक जा रहे हैं, फिर से आप हम देखेंगे 1800 ईस्वी में चले गए 1925 से। बीडी सावरकर के द्वारा मित्र मेला का क्या किया गया था, स्थापना किया गया था। इसी मित्र मेला का नाम बदल करके 1904 ईस्वी में अभिनव भारत कर दिया गया। याद रखिएगा अभिनव भारत कर दिया गया। और कई बार पूछा जाता है कि अभिनव भारत की स्थापना किसने किया था, तो बीडी सावरकर ने, विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में किया था, जिसका पूर्व नाम क्या था, जिसका पूर्व नाम आपका था मित्र मेला। यानी कि मित्र मेला को ही बदल करके क्या कर दिया गया, अभिनव भारत कर दिया गया। क्लियर है, चलिए मित्र मेला को ही बदल करके अभिनव भारत कर दिया गया, बहुत बढ़िया। तो ये आपका एक मित्र मेला हो गया। उसके बाद आप देखिएगा, जल्दी से इसको लिख लीजिए। उसके बाद आप दूसरा जो संगठन था दोस्तों, ये था आपका देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट और कई बार पूछा गया है, अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति, देखिएगा अनुशीलन समिति की बात करते हैं तो इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया, पी मित्रा के द्वारा किया गया। जबकि अगर बंगाल में बात करते हैं, इनकी स्थापना को लेकर के इतिहासकारों के बीच थोड़ा मतभेद है ना, कई सारी किताबों में अलग अलग मिलेगा, लेकिन जो ऑथेंटिक है वो यही है कि अनुशीलन समिति की स्थापना पी मित्रा के द्वारा किया गया। लेकिन बंगाल में अगर बात किया जाए तो दो व्यक्ति, बरिंद्रनाथ घोष और दूसरा भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा बंगाल में अनुशीलन समिति की स्थापना की जाती है। क्लियर है, अनुशीलन समिति की स्थापना की जाती है। और ये कैसी संस्था थी, तो आपको मालूम होना चाहिए ये एक क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ी हुई संस्था थी, मतलब ये एक क्रांतिकारी संस्था थी। अनुशीलन समिति कैसी संस्था थी, क्रांतिकारी संस्था थी। तो 1920 में आप देखिएगा 1907 के आसपास में ये अनुशीलन समिति का गठन होता है। क्लियर है, अब देखिएगा 1907 में ही चापेकर बंधु के द्वारा, जो पूना के प्लेग अधिकारी होते हैं, एमहर्स्ट और आयर्स्ट की क्या कर दिया जाता है, हत्या किया जाता है। और इसी के जो तिलक पर आरोप लगाया जाता है कि तिलक ने
इस कार्य के लिए उसकाया था और तिलक को जेल भी होता है और इसी जेल से छूटने के बाद तिलक एक राष्ट्रवादी नेता के रूप में प्रचलित हो जाते हैं। तो ये आपने देखा। फिर कुछ समय के लिए आप देखिएगा 1913 में हमने बताया गदर पार्टी की स्थापना किया जाता है। उसके बाद जो क्रांतिकारी की शुरुआत होती है जो सबसे प्रबल रूप से बात किया जाए तो वो अब आपको 1920 में देखने को मिलेगा जब HRA की स्थापना किया जाता है। HRA की स्थापना किया जाता है जिसे हम लोग हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से जानते हैं। HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन या हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी की बात किया जाता है। इसकी जो स्थापना किया जाता है दोस्तों 1924 में कहां किया जाता है, कानपुर में किया जाता है। कानपुर में 1924 में HRA की स्थापना की जाती है और इसके संस्थापक सदस्यों में, संस्थापक जो सदस्य थे उनमें दो व्यक्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आपका हो गया सचिंद्र नाथ सन्याल, सचिंद्र नाथ सन्याल और चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद ये दो व्यक्ति इनके संस्थापक सदस्यों में शामिल थे और भी कई सारे थे। तो इनके द्वारा HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की जाती है। और ये भी कैसी संस्था थी, तो ये भी आपकी क्रांतिकारी संस्था थी। क्लियर है। चलिए अब जब इस संस्था का गठन किया जाता है दोस्तों, क्लियर है, जब इस संस्था का गठन किया जाता है तो इसका उद्देश्य क्या होता है, तो ब्रिटिशों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह करना ही इसका विशेष उद्देश्य होता है। तो विद्रोह करने के लिए क्या चाहिए, सोर्स चाहिए, गोली चाहिए, बंदूक चाहिए, बारूद चाहिए, हथियार चाहिए, और ये सब तो इनके पास था ही नहीं। दूसरा पैसा चाहिए, अगर पैसा है तो खरीद लेते, मंगवा लेते, पैसा भी इनके पास नहीं था क्योंकि जो भी क्रांतिकारी नेता थे वे खास तौर पर गरीब घर से संबंधित रहते थे। ये उदारवादी नेता जो थे वो बढ़िया नील टेनिपोल देकर के धोती कुर्ता चमकाते थे, है ना, जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और जो भी बड़े बड़े नेता थे, तो वो सब क्रांतिकारी गतिविधि से जुड़े नहीं थे, वो सब एकदम बढ़िया कपड़ा पहन करके भाषणबाजी करते थे। लेकिन क्रांतिकारी जो नेता थे ये गरीब घर से थे, पैसे भी नहीं थे, रिसोर्सेस नहीं थे, तो वैसे में क्या किया जाए, इन्होंने एक प्लान बनाया कि क्यों ना अंग्रेजों को लूटा जाए, और उसी लूट एक की एक अंजाम देते हैं जिसको काकोरी षड्यंत्र कहा गया है आपके इतिहास में। तो अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग काकोरी षड्यंत्र, काकोरी षड्यंत्र के बारे में। काकोरी षड्यंत्र की अगर बात करते हैं तो कब हुआ था, 9 अगस्त 1925 ईस्वी को, किसके द्वारा, तो HRA के सदस्यों के द्वारा। HRA के सदस्यों के द्वारा क्या किया जाता है, HRA के सदस्यों के द्वारा काकोरी उत्तर प्रदेश के सरहानपुर, सरहानपुर का एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है काकोरी, वहीं पर आने वाली एक ट्रेन 8 डाउन ट्रेन को लूट लिया जाता है। किसके द्वारा, तो HRA के सदस्यों के द्वारा लूट लिया जाता है। लेकिन लूट तो लिया जाता है तो लेकिन क्या ब्रिटिश सरकार चुप बैठने वाली है, इतना बड़ा घटना का अंजाम दे दिया, ट्रेन का ट्रेन हथियार लूट लिया, तो क्या ब्रिटिश सरकार जो है वो चुप बैठेगी, चुप नहीं बैठेगी। ब्रिटिश सरकार इस काकोरी षड्यंत्र के तहत क्या किया जाता है, दमनकारी जो है नीति चलाया जाता है और लगभग 29 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, 29 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि चंद्रशेखर आजाद फरार हो जाते हैं। क्लियर है, चंद्रशेखर आजाद फरार हो जाते हैं। चंद्रशेखर आजाद बहुत तेज तर्रार थे और उनका मानना ही था कि जब तक जीवित है अंग्रेजों के हाथ नहीं आएंगे, वो फरार हो जाते थे दीवार वाल फान करके। लेकिन 29 व्यक्ति पकड़े गए, इनमें 4 व्यक्ति को काला पानी की सजा हो गई और 4 व्यक्ति को मृत्यु दंड यानी कि फांसी की सजा प्राप्त हुआ, और किसके तहत, काकोरी षड्यंत्र के तहत। और वो 4 व्यक्ति कौन कौन थे, तो याद रखिएगा, रोशन लाल, रोशन लाल
है ना। और उसके बाद देखिएगा अशफाक उल्ला खान, अशफाक उल्ला खान। तीसरा देखिएगा राजेंद्र लाहौरी, राजेंद्र लाहौरी, रोशन लाल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहौरी और चौथा आपका क्या है, राम प्रसाद बिस्मिल। चौथा राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, ये आपका चौथा है। इन चारों व्यक्तियों को क्या हुआ, फांसी की सजा सुनाई दी। तो कई बार आपके प्रश्न पूछे भी जाते हैं, क्लियर है, प्रश्न आपसे पूछे भी जाते हैं, निम्नलिखित में से किस व्यक्तियों की लाहौर षड्यंत्र के तहत फांसी नहीं की गई थी, तो विकल्प में आपका चंद्रशेखर आजाद रहता है, क्लियर है। तो याद रखिएगा लाहौर षड्यंत्र के तहत चार व्यक्तियों की सजा हुई थी, एकदम लिख लीजिएगा, रोशन लाल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहौरी, राम प्रसाद बिस्मिल। अब राम प्रसाद बिस्मिल बहुत बड़े क्रांतिकारी थे दोस्तों, है ना, और इससे लगातार सवाल पूछता है। राम प्रसाद बिस्मिल को ही जब क्या दिया गया था, फांसी से एक दिन पहले दूध पीने दिया गया था, तो इसने क्या कहा था कि अब मैं सिर्फ अपनी मां का दूध पीऊंगा। और ये बहुत बड़े शायर थे, बहुत अच्छे शायर भी करते थे। इनका एक स्टेटमेंट है और बीपीएससी में पूछा जाता है एक दो शायर को लेकर के, आप देखिएगा कि राम प्रसाद बिस्मिल, अगर बात किया जाए कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, तो ये गाया था राम प्रसाद बिस्मिल ने, जबकि इसकी रचना जो है वह अजीमाबादी के द्वारा किया गया था। और देखिएगा आपके बीपीएससी में पिछले ही वर्ष पूछा गया है, तो अजीमाबादी के द्वारा ये लिखा गया है, हालांकि राम प्रसाद बिस्मिल इसको गाया करते थे। राम प्रसाद बिस्मिल की एक और शायर है, मालिक तेरी रजा रहे, तू ही रहे तू ही रहे, मैं रहूं या ना रहूं बस मेरी आरजू रहे। ये किसका है, तो राम प्रसाद बिस्मिल का है, मालिक तेरी रजा रहे, तू ही रहे तू ही रहे, मैं रहूं या ना रहूं बस मेरी आरजू रहे। ये किसने कहा था, राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था कि हम रहे या ना रहे लेकिन हमारा वजूद होना चाहिए, हमारा आरजू होना चाहिए। ये हमारे क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था, एक सैल्यूट है हमारे इस क्रांतिकारी के नाम पर। चलिए, तो इन चार व्यक्तियों को फांसी की सजा दी गई थी, क्लियर है। चलिए, सरहानपुर से लखनऊ जा रहा था ट्रेन, बिल्कुल सही बात। तो ये आपका काकोरी षड्यंत्र हो गई। चलिए, अब 9 अगस्त 1925 को काकोरी षड्यंत्र होता है और ये चार व्यक्ति को फांसी की सजा दी जाती है, तो इतना दमनात्मक कार्यवाही अपनाया जाता है कि एचआरए अब धीरे धीरे असंगठित होने लगे, मतलब एचआरए हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी टूट जाती है। कौन नहीं टूटेगा, जब अपने दोस्त को फांसी की सजा दे दिया जाए तो अब एचआरए कमजोर पड़ जाता है, यानी कि यह संगठन अब जो एचआरए था वो कमजोर पड़ गया। फिर उसके बाद चंद्रशेखर आजाद फिर एक बार साहस लगाते हैं, जोर लगाते हैं, और चंद्रशेखर आजाद के द्वारा फिर से 1928 ईस्वी में एचआरए का नाम बदल करके एचएसआरए कर दिया जाता है, जिसका पूरा नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी किया जाता है। याद रखिएगा, पहला जो 1924 में किया गया था वह सिर्फ एचआरए था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी था, क्लियर है। चलिए, याद रखिएगा, तो ये देखिएगा उसके बाद एचएसआरए का गठन किया जाता है कब, तो ये 1928 में किया जाता है, कहां पे, दिल्ली के फिरोज शाह के कटेला के मैदान में किया जाता है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का। और इसमें दो प्रमुख व्यक्ति, एक तो आपका हो गया चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद, और दूसरा भगत सिंह का बहुत बड़ा योगदान होता है। एचएसआरए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया जाता है। अब 1928 में एचएसआरए का गठन किया जाता है और इन्होंने फिर अब मार दंगा करने वाला बात छोड़ दिया था, सुधर गया था, लेकिन शेर का खून कब तक शांत रहेगा, बात वही था,
कि जब इन्होंने एचआरए का गठन किया था तो एचआरए में इन्होंने भुगत लिया था कि क्या दशा हुई थी। 28-29 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 4 गो को काला पानी, 4 गो को फांसी हो गया, तो ये लोग सुधर गए थे और इसीलिए अपने संगठन में एस लगा दिया, यानी कि समाजवादी तरीके से आंदोलन करना है। लेकिन शेर के मुंह में खून लग जाने से वो और खूंखार हो जाता है, यानी कि शेर कितना भी शांत रहे शेर ही कहलाएगा। अब ये एचएसआरए और उग्र हो जाता है, इनकी इसकी खून और भी गर्म हो जाता है, क्योंकि आप देख रहे हैं 1928 में एचएसआरए का गठन होता है और हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इसी 1928 में, यानी कि 17 नवंबर 1928 में पंजाब के ही जो सबसे वरिष्ठ नेता लाला लाजपत राय की क्या होती है, लाठी चार्ज से मृत्यु हो जाती है। और लाला लाजपत राय क्रांतिकारियों के भगवान थे, खास करके भगत सिंह के। भगत सिंह भी कहां के, पंजाब के, और लाला लाजपत राय भी कहां के, पंजाब के। अब फिर से एचएसआरए का खून क्या होता है, गर्म हो जाता है, बोला कि अब न ऐसे नहीं होगा। और इसने फिर क्या करता है कि जो लाला लाजपत राय पे लाठी चार्ज किया था, जिसका नाम क्या था, सॉन्डर्स, जिसका नाम क्या था, सॉन्डर्स, इस सॉन्डर्स को लाहौर स्टेशन पर दिन दहाड़े चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह गोली मार देते हैं और सॉन्डर्स की हत्या कर देते हैं। वही सॉन्डर्स जिसने लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज किया था, सॉन्डर्स की हत्या कर दिए। क्लियर है, अब हत्या तो कर दिए और दोनों क्या हो गए, फरार हो गए। चलिए, फरार हो गए और इतना सा भी नहीं माने, 1928 में इन्होंने सॉन्डर्स की हत्या किया और ठीक अगले वर्ष 1929 में क्या किया गया, सेंट्रल असेंबली में बम फेंक दिया। किसने, तो भगत सिंह और दूसरा बुटकेश्वर दत्त के द्वारा। भगत सिंह और बुटकेश्वर दत्त ने क्या किया, सेंट्रल असेंबली पर बम फेंक दिया। पब्लिक सुरक्षा बिल, पब्लिक सेफ्टी बिल पर बहस चल रही थी और खाली बेंचों पर बम फेंक दिया, और बम भी निष्क्रिय बम, बस ऐसी डराने के लिए, और बम के साथ दो चार पर्चा फेंका। और पर्चा में क्या लिखा था पता है, कि बहरों के लिए, बहरों को सुनाने के लिए बम की आवश्यकता होती है, ये भगत सिंह लिखे थे, और बम के साथ पर्चा फेंका है ना, और अपने आप को सिलेंडर भी नहीं किया, और वही असेंबली के सामने इंकलाब जिंदाबाद के नारा लगाते खड़े रहे। ब्रिटिश अंग्रेज के द्वारा, अधिकारी के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों पर कौन सा मुकदमा चलाया जाता है, जल्दी से बताइएगा, इन तीनों पर कौन सा मुकदमा चलाया जाता है, और उसी मुकदमा के तहत क्या होता है, इनको फांसी की सजा होती है। इन तीनों पर लाहौर मुकदमा चलाया जाता है, लाहौर षड्यंत्र केस चलाया जाता है, और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को लाहौर मुकदमा के तहत ही 23 मार्च 1931 को क्या कर दिया जाता है, फांसी की सजा दी जाती है। 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा भगत सिंह को दी जाती है। क्लियर है, ये आपका हो गया 1928 और 29 की कहानी। 1929 में एक और घटना घटित होती है जिसे हम लोग कहते हैं कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, और इसी लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने क्या किया था, पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी, और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, और इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस की घोषणा की गई थी। क्लियर है, लाहौर अधिवेशन 1929 तक आपका समाप्त हो गया। क्लियर है, चलिए, लाहौर केस खुशबू जी बहुत बढ़िया। चलिए अब आते हैं 1930 में जो प्रमुख है दोस्तों, वह है
सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए यहां से बीपीएससी हमेशा एक क्वेश्चन पूछती है, चाहे वो 64 भी देख लीजिए, 65 भी देख लीजिए, 66 भी देख लीजिए, हर एक साल एक क्वेश्चन पूछता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत होती है दोस्तों, इसके पहले हमें समझना होगा दांडी मार्च को, दांडी मार्च को हमें समझना होगा। दांडी मार्च की अगर बात करते हैं तो ये याद रखिएगा 12 मार्च को प्रारंभ होता है, 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम से, अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम से दांडी मार्च प्रारंभ किया जाता है। कहां तक? तो साबरमती आश्रम से दांडी तक जो है वह नमक सत्याग्रह के नाम से दांडी मार्च चलाया जाता है, साबरमती से कहां तक? दांडी तक। और 12 मार्च को अपने 78 प्रतिनिधियों के साथ महात्मा गांधी दांडी के लिए कूच करते हैं और 12 मार्च को साबरमती से चलना शुरू करते हैं और 6 अप्रैल 1930 को ये कहां पहुंच जाते हैं? दांडी पहुंच जाते हैं। और दांडी में ही इन्होंने क्या किया? नमक कानून को भंग किया, नमक कानून को तोड़ा। और दांडी में नमक कानून तोड़ने के साथ साथ इन्होंने दांडी से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ किया गया? दांडी से किया गया, 6 अप्रैल 1930 को। क्वेश्चन ये भी पूछा गया 66वीं में कि कुल कितने दिनों की यात्रा के बाद, तो याद रखिएगा 12 मार्च को चले थे, 6 अप्रैल को पहुंचे, टोटल दिन अगर काउंट करिएगा तो 24 दिन होता है। 24 दिन की लंबी यात्रा के बाद महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से दांडी पहुंचते हैं 6 अप्रैल 1930 को, और 6 अप्रैल को ही दांडी में नमक कानून को तोड़ करके सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं। क्लियर है? तो यह है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब जैसे ही आंदोलन की शुरुआत की जाती है, ब्रिटिशों के द्वारा इसकी दमनात्मक कार्यवाही भी शुरू कर दिया जाता है। अगले ही मंथ यानी कि 6 अप्रैल को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जाता है और अगले ही महीना 5 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 5 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करके गांधी जी को यरवदा जेल भेजा जाता है, जिसे गांधी जी ने मंदिर की संज्ञा दिया है। तो गांधी जी ने किस जेल को मंदिर कहा है? यरवदा जेल को। अब देखिएगा, गांधी जी गिरफ्तार हो जाते हैं तो गांधी जी के गिरफ्तारी के बाद उनके स्थान पर दूसरा व्यक्ति जिसका नाम होता है अब्बास तैयब जी, अब्बास तैयब जी के द्वारा, अब्बास तैयब जी के द्वारा गांधी जी के गिरफ्तारी के बाद आंदोलन को कंटिन्यू संचालन किया जाता है। लेकिन अब्बास तैयब जी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है तो इसके बाद सरोजिनी नायडू के द्वारा, सरोजिनी नायडू के द्वारा इस आंदोलन को कंटिन्यू रखा जाता है और यह धरसाना नामक स्थान से इस आंदोलन का नेतृत्व करती है। क्लियर है? चलिए, तो यह आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका याद रखना चाहिए। क्लियर है? चलिए, अब आपका 1930 हो गया दोस्तों। 31-32 में कुछ बात होती नहीं है। 1932 में देखिएगा, सांप्रदायिक पंचाट आता है, रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा लाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए अब देखेंगे 1932 में सांप्रदायिक पंचाट, जिसे कम्युनल अवार्ड कहा जाता है, कम्युनल अवार्ड कहा जाता है। यह किसके द्वारा लाया जाता है? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा लाया जाता है। कब लाया जाता है? 16 अगस्त
1932 को लाया जाता है। इसी कम्युनल एवॉल्ड के विरोध में महात्मा गांधी जो उस समय यरवदा जेल में होते हैं क्योंकि गिरफ्तार रहते हैं, विरोध किया जाता है, अनशन किया जाता है, तो उनको मनाने के लिए कौन जाते हैं? सुभाष चंद्र बोस जाते हैं। और महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र के बॉस एक समझौता होता है जिसे पूना पैक्ट या पूना समझौता कहा गया है। जल्दी से बताइए पूना समझौता कब किया गया था और किसके किसके बीच हुआ था? क्लियर है? बहुत बढ़िया। देखिएगा पूना समझौता, पूना पैक्ट की बात करते हैं, 24 सितंबर 1932 को यह समझौता महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच होता है। पूना समझौता किसके किसके बीच? महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। याद रखिएगा ये पूना समझौता होता है, लेकिन ये समझौता सिर्फ होता है महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस पर, जबकि हस्ताक्षर कौन करता है? तो महात्मा गांधी के तरफ से नेतृत्व कर रहे होते हैं हिंदू वर्ग का मदन मोहन मालवीय, और दलितों की ओर से नेतृत्व कर रहे होते हैं ये आपका सुभाष चंद्र बोस कर रहे हैं भीमराव अंबेडकर। चलिए गलती है यहां पे थोड़ा सा, भीमराव अंबेडकर के बीच ये आपका पूना समझौता होता है, और दलितों के ओर से भीमराव अंबेडकर इसकी क्या करते हैं आपका, दलितों की ओर से नेतृत्व करते हैं, जबकि हिंदुओं की ओर से हिंदू महासभा के अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय जो है ये क्या करते हैं, नेतृत्व करते हैं। तो हस्ताक्षर कौन करते हैं? मदन मोहन मालवीय। अगर आपसे पूछा जाए कि पूना समझौता पर किसने हस्ताक्षर किया था, किसके किसके बीच हस्ताक्षर हुआ था, तो मदन मोहन मालवीय और सुभाष चंद्र बोस के बीच हस्ताक्षर हुआ था, गांधी जी हस्ताक्षर नहीं किए थे। क्लियर है? चलिए तो ये आपका सांप्रदायिक पंचाट और पूना समझौता हो गया। क्लियर है? बहुत बढ़िया। उसके बाद देखिएगा ये 1932 में हो गया, 1934 में देखिएगा, 1934 में बहुत इंपॉर्टेंट बीपीएससी के लिए कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया जाता है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया जाता है जिसे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कहा गया है। कब? 1934 में। और इसका मुख्यालय कहां, यानी कि कहां गठित किया जाता है? तो पटना में किया जाता है। और किसके किसके द्वारा? दो व्यक्ति के द्वारा, जय प्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा। जय प्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा क्या किया जाता है? कांग्रेस समाज पार्टी का गठन किया जाता है। क्लियर है? चलिए वेरी गुड। कांग्रेस समाज पार्टी का गठन किया जाता है 1934 में। बहुत बढ़िया। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी, याद रखिएगा ये कांग्रेस समाजवादी पार्टी जय प्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा, जय प्रकाश नारायण क्या बनते हैं, इसके अध्यक्ष बनते हैं कि सचिव बनते हैं दोस्तों? जय प्रकाश नारायण क्या बनते हैं? इनके महासचिव बनते हैं। क्लियर है? चलिए, जय प्रकाश नारायण महासचिव बनते हैं और आचार्य नरेंद्र देव क्या बनते हैं? इसके अध्यक्ष बनते हैं। जय प्रकाश नारायण के द्वारा ही आपको मालूम होना चाहिए संपूर्ण क्रांति चलाया गया था। कब? 5 जून, है ना, 5 जून 1957 को, याद रखिएगा 5 जून 1974 को, 5 जून 1974 को संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था, याद रखिएगा। और ये आपका कांग्रेस समाजवादी पार्टी है, लेकिन अगर आपसे प्रश्न में बिहार समाजवादी पूछा जाए,
कि बिहार समाजवादी पार्टी का स्थापना कब किया गया, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया, तो 1931 में। प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, अगर कांग्रेस समाजवादी पार्टी की गठन की बात किया जाए तो 1934 में, जबकि बिहार समाजवादी बिहार सोशलिस्ट पार्टी की बात किया जाए 1931 में, किसके द्वारा, राम वृक्ष बेनी पूरी के द्वारा और गंगा शरण सहाय के द्वारा ये किया गया था, बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना किया गया था। चलिए, तो ये आपका हो गया समाजवादी पार्टी, क्लियर है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब 1934 आपका हो गया, 1936 में देखिएगा, 1936 में क्या होता है, तो अखिल भारतीय किसान सभा का, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया जाता है, किसके द्वारा, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया जाता है, जिसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ होता है, लखनऊ में होता है, याद रखिएगा। ये आपका 36 हो गया समाप्त। 1936 में ही अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया जाता है, कहाँ पे, लखनऊ में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया, 1936 में, हेडक्वार्टर आपका कहां है, लखनऊ में है, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, 1936 बाद देखिएगा, 1938 में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है, जिसका नाम है हरिपुरा अधिवेशन। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें अध्यक्ष जो है सुभाष चंद्र बोस को बनाए जाते हैं। अध्यक्ष पद पर कौन चुने जाते हैं, सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं, और सुभाष चंद्र बोस 6 माह के अंदर स्वतंत्रता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा जाता है। ये अल्टीमेटम दिया जाता है कि अगर 6 माह के अंदर स्वतंत्रता नहीं प्राप्त होगा तो जनता के सहयोग से हम आंदोलन करेंगे। तो महात्मा गांधी इनके इन विचारों से क्षुब्ध हो जाते हैं, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के रणनीतियों को लेकर के महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच क्या होता है, मतभेद होता है। याद रखिएगा, ये आंतरिक मतभेद नहीं है, ऐसा नहीं कि सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी से मार झगड़ा लड़ाई पीट कर लिए, नहीं, स्वतंत्रता प्राप्ति के उद्देश्यों को लेकर के मतभेद था, बाकी दोनों अच्छे से रहते थे। सुभाष चंद्र बोस जो है वो आंदोलन और क्रांतिकारी गतिविधियों के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करने के अल्टीमेटम रखते थे, जबकि महात्मा गांधी संवैधानिक तौर तरीकों पर और हिंसात्मक ढंग से, तो इन्हीं को लेकर के दोनों में मतभेद होता है, जिससे गांधी जी जो है सोचते हैं कि अगर ये गांधी जी सोच लेते हैं कि अगर सुभाष चंद्र बोस रहेगा तो ये पक्का कुछ ना कुछ कारनामा करेगा, इसलिए इसको जल्दी हटाओ, ये रहेगा तो कुछ जरूर क्रांतिकारी काम करेगा और भारत को जो है और बर्बाद करेगा। लेकिन सबका अपना अपना क्या था, तरीका है, गांधी जी ऐसा सोचते थे। और इसीलिए आप देखिएगा कि अगले वर्ष जो अधिवेशन होता है 1939 में, यह त्रिपुरा में होता है और इसे त्रिपुरी संकट कहा गया है, कांग्रेस का त्रिपुरी संकट कहा गया है। क्यों, क्योंकि इस अधिवेशन में भी जीत कौन जाते हैं, सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी एकदम नहीं सोच रहे थे कि सुभाष चंद्र बोस जीते, और महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को हराने के लिए जाने माने नेता पट्टामी सीतारमैया को अध्यक्ष पद के लिए तैनात किया था। लेकिन परिणाम हुआ कि पट्टामी सीतारमैया जो महात्मा गांधी की तरफ से, उनको हरा करके सुभाष चंद्र बोस क्या होते हैं, अध्यक्ष पद पर जीत जाते हैं। अब महात्मा गांधी को बड़का चोट पहुंच गया कि हमरा भी हरा करके ये अध्यक्ष पद बन गया, तो इसीलिए अब महात्मा गांधी मुंह कान फुला लेते हैं सुभाष चंद्र बोस से। सुभाष चंद्र बोस बेचारा बहुत ही क्रांतिकारी नेता, नेक दिल इंसान वाले व्यक्ति, उनको ये सहन नहीं होता है कि हमारे कारण हमारे राष्ट्रपिता हमसे क्या हो,
उदास हो, इसीलिए वे कांग्रेस के पद पर जीत तो जाते हैं लेकिन वो इस्तीफा दे देते हैं। मतलब कांग्रेस के पद को जीतते हुए भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं और अध्यक्षता किसको सौंप देते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना दिया जाता है त्रिपुरा अधिवेशन में। क्लियर है? और इस तरीके से जो हरिपुरा अधिवेशन होता है वह क्या होता है, सॉरी हरिपुरा जो हरिपुरा अधिवेशन होता है वह आपका क्या होता है, जो हरिपुरा अधिवेशन होता है वह आपका क्या होता है, टल जाता है। हरिपुरा जो संकट आता है कांग्रेस पर, यह हरिपुरा अधिवेशन क्या होता है, टल जाता है। तो याद रखिएगा 1938 में आपका हरिपुरा, याद रखिएगा, और 1939 में, क्लियर है, चलिए त्रिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन और त्रिपुरा अधिवेशन याद रखिएगा 1938 में और त्रिपुरा अधिवेशन 1939 में। इसी को त्रिपुरी संकट भी कहा गया है। अब जब सुभाष चंद्र बोस क्या होते हैं, त्रिपुरा अधिवेशन से अपने आप को अलग कर लेते हैं, तो इसने कांग्रेस से अलग होकर के 1939 में क्या करते हैं, किस पार्टी की गठन करते हैं सुभाष चंद्र बोस, जल्दी से बताइएगा, किस पार्टी का गठन करते हैं सुभाष चंद्र बोस अलग होकर के, है ना, फॉरवर्ड ब्लॉक कर, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं, किसके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। हार करके, जीत करके भी हार जाते हैं और कांग्रेस से अलग होकर के 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। क्लियर है? अब बहुत जल्द हम लोग जो है समाप्ति की ओर हैं। अब 1940 हो गया है ना, चलिए अब देखिएगा 1939 हो गया, अब 1940 में आप देखिएगा 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चलाया जाता है किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चलाया जाता है महात्मा गांधी के द्वारा, कब चलाया जाता है, तो 17 अक्टूबर 1940 के द्वारा। और जो प्रमुख स्लोगन दिया जाता है वह है दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो के नारों के साथ व्यक्तिगत सत्याग्रह ये आंदोलन प्रारंभ किया जाता है। इसमें जो प्रथम सत्याग्रही होते हैं, प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे होते हैं, विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही, और जो द्वितीय सत्याग्रही होते हैं, द्वितीय सत्याग्रही कौन कहलाए, पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वितीय सत्याग्रही कहलाए। क्लियर है? विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही और द्वितीय सत्याग्रही आपका जवाहरलाल नेहरू, व्यक्तिगत ये आपका सत्याग्रह चलाया जाता है। क्लियर है? चलिए अब देखिएगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह हो गया 1940 में। 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, और क्रिप्स मिशन जब आता है तो ये क्रिप्स मिशन को क्या कहा जाता है, पोस्ट डेटेड चेक कह करके इसका विरोध किया जाता है। सर क्रिप्स के आप अध्यक्षता में ये मिशन आया था भारत के संविधान के लिए विचार करने के लिए, संविधान सभा के गठन को लेकर के, लेकिन इन्हें महात्मा गांधी ने उत्तर दिए, उत्तर तिथिये पोस्ट डेटेड चेक कहा है, यानी कि यह एक ऐसा चेक है जिसका बैंक जो है बहुत जल्द दिवालिया होने वाला है। तो ये क्रिप्स मिशन का बहिष्कार किया गया। 1946 में कैबिनेट मिशन आता है, सर पेंथेक लॉरेंस की अध्यक्षता में, अल्केजेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में 46 में कैबिनेट मिशन आता है, और इस मिशन के तहत क्या होता है, संविधान सभा की मंजूरी मिल जाती है और संविधान सभा का गठन कर लिया जाता है 9 दिसंबर 1946 को, और 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है जिसकी अध्यक्षता किसने किया था, राजेंद्र प्रसाद ने किया था, और 13 दिसंबर को तीसरी बैठक होती है जिसमें
क्या होते हैं, तो जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है और फिर संविधान सभा अपना कार्य जो है संविधान बनाने के द्वारा जो करते रहती है, हम लोग पॉलिटी में पढ़ेंगे। तो 1946 तक हो गया। अब भारत को क्या चाहिए था, आजादी। तो भारत को आजादी जो प्राप्त हुई है वह भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत प्राप्त हुई है, जो कि जिसे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कहा जाता है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब आया था, 1947 में आया था यह भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। जब आया उस समय जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था वो था क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था और ये किस पार्टी से था, लेबर पार्टी से था, याद रखिएगा, लेबर पार्टी से था। इसी के समय में क्या किया जाता है, क्लीमेंट एटली ने भारत के स्वतंत्रता संबंधित अत्यधिक विचार करने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन को क्या किया जाता है, भारत का गवर्नर बना करके भेजा जाता है बेबेल के स्थान पर। अब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम उधर क्या होता है, इंग्लैंड के संसद में, ब्रिटेन के संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लाया जाता है 1947 में, जिसे आप देखिएगा 15 जुलाई 1947 को ब्रिटेन के निम्न सदन, जिसे क्या कहा जाता है, हाउस ऑफ कॉमन कहा जाता है। ब्रिटेन के निम्न सदन को हाउस ऑफ कॉमन कहा जाता है, जैसे हम लोग का संसद का निम्न सदन लोकसभा और उच्च सदन राज्यसभा। तो 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन से भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित कर दिया जाता है। जब निम्न सदन यानी कि हाउस ऑफ कॉमन से पारित हो जाता है, अगले ही दिन 16 जुलाई 1947 को यह ब्रिटेन के संसद के उच्च सदन, जिसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है, हाउस ऑफ लॉर्ड कहा जाता है, वहां पर यह क्या हो जाता है, पारित हो जाता है। और अंततः 18 जुलाई 1947 को यह जो बिल होता है भारत स्वतंत्रता, इसे एक अधिनियम बना दिया जाता है और ये भारत स्वतंत्रता अधिनियम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बन जाता है। और इसी के तहत 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्रता प्राप्त कर लेता है, यानी कि भारत आजाद हो जाता है। क्लियर है, चलिए। तो ये आपका पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का आज मैराथन क्लास समाप्त होता है, जिसमें हमने सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा है। अगर आप नोट नहीं कर पाए हैं या वीडियो को फिर से देखना चाहते हैं तो स्पीड को बढ़ा लीजिएगा 1.25 या 1.5 करके, इसे लगातार देखते रहिए, आपका रिवीजन होते जाएगा। या फिर कोई काम कर रहे हैं तो वीडियो को चला दीजिए और देखते रहिए, जिससे आपका क्या होगा, रिवीजन होते जाएगा। क्लियर है, चलिए। तो आज का ये क्लास यहीं पे क्या होता है, समाप्त होता है। क्लियर है, चलिए। अब आप बाद में, ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री का लास्ट क्लास था, इसके बाद अगर कोई भी कहेंगे मॉडर्न हिस्ट्री क्लास लेने, तो अब मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास नहीं लिया जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री का ये लास्ट क्लास था, हमने कई बार क्लास लिए हैं और कई सारे स्टूडेंट छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ते हैं और बाद में कहेंगे कि सर हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो उनके लिए मेरे पास कोई दवाई नहीं है, कोई सेवा नहीं है, क्योंकि परीक्षा में बहुत कम समय है। कल हम लोग मिडाइवल समाप्त करेंगे, तो कल आप लोग फिर से तैयार रहेंगे। क्लियर है, चलिए। तो